हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम स्पनोदू था एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी कंप्लीट रेस्पॉन्सिव एनिमेटेड वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेस इन हिंदी तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा सिक्सटी सेवेंथ वीडियो होने जा रहा है ऑन रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन ट्वेंटी के ऊपर इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा एंड गाइस इतना भी बताना चाहूंगा कि आज हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होने जा रहा है ऑन रिएक्ट जेस बेसिक इन हिंदी के ऊपर तो देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है क्यों क्योंकि फाइनली अभी तक हमने जितना भी समझा है जितना भी प्रैक्टिस किया गया सबको हम एक्चुअल में किस तरीके से मिला के कम्प्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं गाइस वो मैं आपको बताने वाला हूँ so, सो गाइस आज हम एक ऑसम awesome वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं एंड आप देख सकते हो गैस कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो ये जो इमेज है इसमें हल्का सा एनिमेशन हमने एड किया हुआ राइट एंड ये कम्प्लीट हमने गाइस कोई प्लग यूज नहीं गे प्योर कोड के थ्रू हो रहा है एंड गाइस आप देख सकते हो ये बा होम सर्विसेज अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट पेज एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो वी हैव अ गेट स्टार्टेड तो सबसे पहला तो ये कि गाइस अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हो इट मीन्स कि कम से कम कोड आपको लिखना है एंड देन जब भी आप मेन्यू पे करोगे क्लिक तो गाइस आप नोटिस करना ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा ठीक है आप देख सकते हो एंड बोम गाइस आपने देखा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ एंड आप देख सकते बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारे सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस हमने बुस्ट्रैप फाइव का कार्ड इसमें यूज़ किया जी हाँ गाइस लेटेस्ट अभी जो बूस्ट्राई फाइव है उसको मैंने आपको दिखाया कि हम रिएक्ट में कैसे ऐड कर सकते थे आज हम उसी की मदद से गए इसे हम ये वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं ठीक है एंड गा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्ड है बूस्ट्राई फाइव का आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो सिंपल कार्ड है कार्ड कार्ड कार्ड, कार्ड मतलब छह बार कार्ड हमने कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन नहीं गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्योर रिएक्ट यूज़ करने वाले एंड आप देख सकते हो कि अभी अगर मुझे ये छह कार्ड चाहिए रहता तो मैं छह बार कार्ड को कॉल करता था राइट बट ऐसा नहीं है आप देख सकते हो मेरा सर्विसेज का पेज है एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है एंड उस कार्ड कंपोनेंट को भी अगर मैं आपको देखाऊंगा ना गाइस उसमें भी मैंने सिर्फ चार लाइन लिखी तो गाइस आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पावर क्या है एल्स अगर हम बूस्टर फाइव यूज करते गाइस आपको मालूम होगा इसको हमें छह बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मतलब वो ना जाने दो सौ लाइन का कोड हो जाता था बट इन रिएक्ट सिंपल इतना ठीक है वापस अब मैं आपको लेके चलता हूं होम पे तो गाइस आप देख सकते हो जो गेट स्टार्टेड है क्लिक करूंगा वापस हम सर्विसेज पेज पे एंड पे देन अगेन हम होम पेज पे होम पेज भी अगर मैं आपको दिखा दूगा इसी मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि एक एक्साइटमेंट बनी रहे राइट क्योंकि गाइस बहुतों को क्या होता है गाइस रिएक्ट जैस के वेबसाइट बोल के पूरा बूस्ट्राइप ही चिपका देते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करते भी नहीं लेकिन आप देखोगे गाइस मेरे होम पेज में कुछ भी नहीं है सिंपली एक कॉमन करके एक जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया उसमें मैं कुछ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ बस यही है मेरा होम कंपोनेंट आई मीन मेरा होम पेज यही है गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो इतना कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ इतना ये जो भी कोड लिखा मैंने सिर्फ एक लाइन उसके थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज योर रिएक्ट ऑल राइट ना अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अबाउट पे एक चीज़ नोटिस किया गया अपने होम देन अबाउट ऑलमोस्ट सेम है प्रॉपर्टी सेम है सब कुछ सेम है तो गाइस अब देखो सेम हा होम पे मैं कॉमन कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं ठीक है उसी तरीके से अगर मैं आपको अबाउट पे लेके चलता हूं तो आप देखोगे गैस अबाउट पे भी सेम है खाली मैं उनकी जो प्रॉपर्टी है जो प्रॉप्स है गैस उसको चेंज कर रहा हूं सो दिस इज दी पावर गाइस मतलब सेम चीज को अगर आपको मल्टीपल जगह यूज करना हो तो गाइस वो कैसे करना है वो आज आपको पता चलने वाला एंड उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सॉरी यहाँ पे अबाउट राइट right, यहाँ पे आप देख सकते हो गैस कॉन्टैक्ट हेयर मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे ठीक है कॉन्टैक्ट हेयर पे जब मैं करूँगा क्लिक तो हम जाएंगे गाइस कॉन्टैक्ट एंड गाइस आप देख सकते हो कि हम कॉन्टेक्टस पेज पे आ चुके हैं एंड हेयर वी हैव अ फुल नेम फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस मैसेज एंड देन सबमिट फॉर्म अगर मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो गाइस हमने सिंपल जो बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन रहता है उसको ऐड किया हुआ है ठीक है एंड हेयर आई विल राइट गाइस डेमो डॉट जी मेल डॉट कॉम ठीक है इस तरीके से डॉट कॉम एंड लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑसम awesome, कुछ भी लिख सकते ठीक है एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा इसमें मैंने जो एक्चुअल में जो रिएक्ट में हम जिस तरीके से फॉर्म में काम करते वही इंप्लीमेंट किया हुआ है ठीक है एंड मैं बताने के लिए ये क्योंकि रिएक्ट आपके फ्रंट एंड को देखता है राइट अभी हमारे पास कोई डेटा बेस या बैक एंड तो हम कर नहीं रहे लेकिन फिर भी गाइस मैंने आप लोगों के लिए अगर कोई बैक एंड यूज करना चाहे तो मैंने डेटा ऑलरेडी फैच करके रखा तो देखिए गाइस थ्री To one and boom. ऐसा आप देख सकते हो मैंने जो कुछ भी मेरे फॉर्म में लिखा है आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा देखिए माय नेम इज विनोद बादू था माय मोबाइल नंबर इज इतना एंड ईमेल इज इतना हेयर इज व्हाट आई वांट टू से डेट सॉरी मैंने ऑसम awesome लिखा था ओके okay, परफेक्ट तो कैसा लगा गा आपको ये है कि नहीं ऑसम ठीक है तो गाइस आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला आपको एंड आपको एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ ठीक है एंड दी बेस्ट पार्ट पता है गाइस आज के आज मैं आपको सी एस एस के पार्ट भी कंप्लीट करके बताने वाला हूँ सो गाइस फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको सब कुछ बताने वाला एंड एक और चीज में ये बताना भूल गया दैट इज सिंपली अगर आप में कुछ भी लिखता है आर पे तो मैं बाय डिफॉल्ट गाइस अपने होम पेज पे आने वाले गाइस आपको याद होगा मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी इस वीडियो में जितना भी होने वाला है इसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है खाली नहीं बताया था तो ये कि आप किस तरीके से सबको एक साथ मिला के बूस्टर फाइव की मदद से

जो कि बहुत औसम awesome है एंड रिसेंटली लॉन्च हुए एंड ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी बुस्ट्रा फाइव इन इन वन वीडियो हिंदी कंप्लीट मैंने आपको इसमें बताया है इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है right guys, बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा डेली ऐसे क्रिएट awesome करता रहता हूं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाय सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे औसमीडियो को मिस ना करें ऑल आर्ट गैस तो अब बिना किसी तरीके हम बी एस फूड एडिटर पे चलते हैं देख सकते हो गए मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है एंड एंड अब इससे होगा ये कि गाइस हमें वो दिखाई भी नहीं देगा जी हाँ अब हमें नहीं दिखाई देने वाला तो गाइस हम फ्रॉम स्क्रैच से सब कुछ एकदम स्टार्ट करने वाला है ठीक है एंड बायो गाइस आप लोगों को बहुत मजा आने वाला तो गाइस सबसे पहले क्या करना गाइस बाई डिफॉल्ट हमारे पास इंडेक्स डॉट जीएस का फाइल रहता है राइट जिसमें कुछ नहीं एक ऐप कंपोनेंट हमारे पास रहता है एंड वी हैव अ ऐप कंपोनेंट ठीक है तो गाइस सबसे पहले क्या करना है देखो हमें किसी तरीके से एक नेप बार चाहिए जी हाँ गाइस हमें सबसे पहले एक नेप बार चाहिए तो कैसे होगा देखो एंड गाइस नेप बार को पाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको सिंपली एनपीएम रिएक्ट राउटोडोम को इंस्टॉल करना है ठीक है उसका लिंक इधर टॉपिक में दे दूंगा बहुत सिंपल है खाली आपको एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट राउटोडोम करना एंड वंस जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है देखो गाइस वी नीड अ ब्राउजर राउटर जी हाँ गाइस हमें ब्राउजर राउटर चाहिए सो नीड टू राइट इंपोर्ट आपको कली के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से ब्राउजर ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है ब्राउजर राउटर सिंपली कहा से क्योंकि अभी जस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है किसको रिएक्ट एक सेकेंड इसको हटाता हूं यहाँ पे मैं जाता हूँ रिएक्ट राउटर डोम परफेक्टली एंड द बेस्ट पार्ट ये कि गाइस मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आप देख सकते हो वी हैव अ रिएक्ट राउटर डोम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन है वो ये है मेरा रिएक्ट डोम का ये है रिएक्ट का ये है एंड बोम गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ बुस्ट्राफ वर्जन फाइव जो कि अभी अल्फा स्टेज वन में है एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो कि बुस्टर फाइव मैंने कैसे ऐड किया तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कल का वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बुस्टर फाइव को एड कर सकते हो एंड बिलीव मैं गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है मैं फिर भी आपको बता देता हूं मैं नहीं चाहता कोई डाउट आपके माइंड में रहे तो एनपीएम खाली आपको एक बार लिख देना है ठीक है जब आप लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से एनपीएम तो जो यहाँ पे वेबसाइट आता है ना तो सबसे मैंने आपको जो, तो आप तो जो, जो इंस्टॉल कर देना है सिंपली आपको ये लिखना है और अपने टर्मिनल में जिस ऐप पे आप काम हो वहां पे इंस्टॉल कर देना है मैंने ऑलरेडी बता चुका था एंड देन ठीक इसी तरीके से बुस्ट्राइफा के लिए आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वर्जन है बुस्ट्राइफाइंट जीरो डॉट जीरो अल्फा आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद का इस यहाँ पे आप देख सकते हो एन पी एम आई आई बेसिकली इंस्टॉल यू नो दे बूस्ट्रैप एट द रेट फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो अल्फा वन तो सिंपली इसको कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना है टर्मिनल में एंड एंटर हिट कर देना है तो वंस आपका ये जब इंस्टॉल हो जाए दोनों के दोनों तो आप देखना आपका बूस्टैप का जो करंट वर्जन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड देन आपका जो रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन ये दिखाई देगा फ्यूचर में ऑब्वियसली बढ़ने वाला है बट इट्स फाइन सो दिस इज इट गाइस इतने ही थे मेरे डिपेंडेंसीज एंड मैं बताना चाहूंगा आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने इंस्टॉल किया था हालांकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज क्रिएट कर चुका है प्ले को जरूर चेक कीजिएगा और अगर गैस बिना किसी तरीके के हम कोडिंग पे चलते इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है अब मुझे चाहिए ब्राउजर राउटर तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक रिटर्न में ब्राउजर राउटर का काम यह आपको जितने भी पेज को रेंडर कराना है आई मीन शो कराना है आपको उसको ब्राउजर राउटर एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ता है सिंपली तो मैं सिर्फ एप को पास कर रहा हूँ क्यों क्योंकि बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐड करने वाला हूँ ठीक है एंड कंट्रोल सेव कीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस इसको आपको क्लोज करना है एंड इतना भी हमें मालूम है कि कभी भी हम डायरेक्टली एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डायरेक्टली रेंडर नहीं करा सकते राइट अगर वो रेंडर कराना हो तो गाइस आपको या तो डीप या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटेटिक सुगर का यूज़ करना जरूरी है तो वो हमने किया कंट्रोलाइज सेव करता होगा इसे अभी भी आप देखोगे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी तक हमने ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको क्रिएट नहीं किया है तो मैं चलता होगा इस अपने सोर्स पे राइट क्लिक न्यू फाइल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डबल पी डॉट जे एस एक्स परफेक्ट ठीक है नाउ सबसे पहला काम तो वी नीड टू इंपोर्ट जी हाँ गाइस सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है नाउ मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ कॉन्स्ट एप यू नो सिंपली इस तरीके से लिखता हूं यहाँ पे ऑल एट दिस इज इट इतना सिंपल होने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना पड़ेगा हमें बहुत कुछ रिटर्न करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट एक डमी रख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए परफेक्ट एंड लेट्स सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई मीन वेलकम लिखना चाहता था वेलकम ठीक है परफेक्ट इतना हो गया अब भी आपको क्या करना है गाइस इसको कॉपी करो क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर आप क्रिएट करते हो एंड इफ़ यू वांट कि बाकी भी उसको यूज़ कर सके एक्सेस कर सके तो यू नीड टू एक्सपोर्ट हाँ उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है तो इतना मेरा काम हो गया कंट्रोल एस सेप कर देता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो तो हमें वेलकम आ चुका है ठीक है अब गाइस सबसे पहले मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए नेब बार जी हाँ गाइस मुझे नेब बार चाहिए लेकिन उससे भी पहले गाइस हम क्या कर लेते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे इस वेबसाइट में टोटल कितने पेजेस होने वाले लेट्स क्रिएट वन बाय वन ठीक है तो देखिए सोर्स पे मैं चलता हूं न्यू फाइल पे मैं चलता हूँ हैव अ होम डॉट जे एस एक्स इस तरीके से मैंने होम क्रिएट कर लिया ठीक है उसी तरीके से गैस न्यू फाइल पे मैं चलता हूँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट एंड इतना याद रखो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा डेट मस्ट बी कैपिटल जी हाँ गाइस आपका वो कैपिटल होना ही चाहिए किसी भी हालत में ठीक है इतना हो गया आ, अभी ये कॉन्टैक्ट तो अबाउट रह गया तो अबाउट लिख देता अबाउट डॉट जे एस एक्स है ना एंड आई नो गाइस ये बहुत डिबेट चलता है कि डॉट जे एस एक्स या डॉट जे एस गाइस बेटर आप डॉट जे एस एक्स ही लिख दीजिए जो कि बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा होता है ठीक है तो इतना हो चुका है आई थिंक सर्विसेस लेफ्ट सर्विसेस लिख देते सो सर्विसेस डॉट जे एस एक्स हालाँकि सिर्फ हम सर्विस लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा परफेक्ट ठीक है हमने टोटल अबाउट कॉन्टैक्ट होम एंड देन हमने एक और क्रिएट कर लिया है सर्विस बाकी जो धीरे धीरे आएगा जब हमें उसकी नीड होगी तब हम करेंगे ठीक है अभी फिलहाल हमने इतने पेजेस क्रिएट कर लिए अभी मैं ऐप पे चलता हूँ एंड ठीक है गाइस देखो अभी ऐप पे मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक होम पेज को पकड़ता हूँ यहाँ पे मैं जल्दी से एक इंपोर्ट करके एक डिफॉल्ट सा डायग्राम बना लेता हूँ या डिफ़ॉल्ट एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेश कर लेता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड स्टीड ऑफ ऐप काइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम एंड यहाँ पे इंस्टीट ऑफ वेलकम वेलकम होम पेज लिख देता हूँ ठीक है वेलकम होम पेज बाय डिफॉल्ट अभी देखते हैं वर्क करता है या नहीं ठीक है अब भी गाइस ये जो होम पेज था यू नीड टू इंपोर्ट आपको इसको इंपोर्ट करना होगा सो होम फ्रॉम लिखना है आपको सिंपल इस तरीके से फ्रॉम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड आपको बहुत सारे पाथ मिल जाएंगे परफेक्ट ठीक uh, है कंट्रोल सेव करता हूँ अब ये जो वेलकम है अब फाइनली हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आने वाला है एंड दिस इज़ इट अब होम में वेलकम होम पेज परफेक्ट इतना मैं चाहता था ठीक इतना मेरा काम हो गया गाइस अब देखो होम पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मुझे क्या करना है सबसे पहले देखो होम पेज एज इट इज रहने दो मुझे यहाँ पे एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी यू पे कुछ भी लिखूँ तो हम स्विच कर सके लाइक मैंने मेरा एक्चुअल जो रहता है लोकल होस्ट कॉलन एंड देन थ्री थाउजेंड डॉट कॉमा के बाद अगर मैं अबाउट लिखूँ तो, तो मैं चाहता हूँ कि गैस मुझे अबाउट दिखाई दे उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यू नो एबाउट हटा के सर्विसेज तो मुझे सर्विसेज का पेज होम का तो मुझे होम का पेज होम हम बाय डिफॉल्ट रखने वाले एंड देन कॉन्टैक्ट लिखूँ तो कॉन्टैक्ट तो यू आर एल पे जब भी हम कुछ टाइप करते वो अगर हमें दिखाई दे तो गैस वो कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है स्विच हमने लिखा आ, इसको करता हूँ कॉपी यहाँ पे पेस्ट परफेक्ट ना हो कंट्रोल सेप को रहे पहली बार एंड सिर्फ स्विच नहीं लिखना का स्विच हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल पेजेस में सिर्फ कोई एक ही पेज दिखाई दे जो सबसे पहले मैच हो जाता है ठीक है इसलिए हम रूट लेते हैं आई मीन सॉरी स्विच लेते हैं ना वी हैव टू यूज द रूट एंड इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ रूट को एंड इधर ही क्लोज कर देता हूँ ठीक है कंट्रोल एस सेव ठीक है गाइस एंड आपने नोटिस किया कि गाइस स्विच जैसे ही मैंने यूज़ किया ऑटोमेटिक वो इम्पोर्ट हो चुका था अगेन हमारा ये जो स्विच एलिमेंट है वो भी हमें मिलता है फ्रॉम रिएक्ट उटर डोम एंड साथ ही साथ जैसे हमने स्विच किया के विनिट टू इम्पोर्ट रूट को भी ठीक है ऑन आइट इतना हो चुका है गाइस अब देखो रूट रूट मतलब ये आपका यू अब आपको देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक पात कि मतलब यूजर अगर क्या लिखता है तो उसको कहाँ भेजना जरूरी है ठीक है पाथ बेसिकली यूजर ने क्या लिखा तो बाय डिफॉल्ट एक फॉरवर्ड स्लैश इट मींस कि बाय डिफॉल्ट वाला जो हमारा पेज होगा वो क्या होगा तो उसके लिए मैं गाइस यहाँ पे कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे मैं चल देता हूँ मैं बोलता हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश राइट मीन्स वो हमारा बाय डिफॉल्ट वाला पेज है जो कि हमारा होम पेज होगा सिंपल अब आप इसी को करो कॉपी एंड अब ये सब की जरूरत नहीं गई तो आपने देखा जहां पहले हम सिंपली होम इस तरीके से कॉल कर रहे थे अब हम विद विदी हेल्प ऑफ रूट कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं पेस्ट पेस्ट एंड आई थिंक चार बार होना चाहिए राइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर कोई अबाउट लिखे तो क्या यहाँ पे मैं चलता हूँ लिखता हूँ अबाउट ठीक है अबाउट पेज को पे मैं चलता हूं अगर कोई लिखे सर्विसेज तो क्या ठीक है सर्विस सर्विसेज नहीं खाली सर्विस लिखते क्योंकि वो थोड़ा वो हो जाएगा तो सर्विस ठीक है यहाँ पे भी सर्विस एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूं लिखता हूं सिंपली कॉन्टैक्ट एंड गाइस यहाँ पे भी सिंपली आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रोल गाइस हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है तो अब एटलीस्ट ये जो मेरा होम है इसको मैं करता हूँ कॉपी कॉन्टैक्ट में चिपका देता हूं अबाउट में चिपका देता हूँ सर्विस एक सेकेंड दो दो सर्विस है यहां पर ऑलराइट right, इसको हटा दो ये जो है इसको भी हटा दो ठीक है कंट्रोल एस सेव कंट्रोल एस सेव कंट्रोल एस सब मैंने सेव कर लिया है कॉन्टैक्ट में मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट एंड देन अबाउट में मैं लिख देता हूं अबाउट परफेक्ट एंड देन सर्विसेस में मैं लिख देता हूं सर्विसेस सर <laughs> ये ये भगवान स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है ठीक है सर्विसेस मैंने लिख दिया नाउ आप देख सकते हो क्लियरली बोल रहा है अबाउट सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट एक सेकेंड जूम कर देता हूँ तो ये देखो अबाउट सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट बहुत सिंपल है इस क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ होम कंपोनेंट को अभी तक इम्पोर्ट किया बाकी सब को तो किया ही नहीं ना तो आपको इसको करना है कॉपी यहाँ पे पेस्ट पेस्ट एंड देन पेस्ट नाउ ये जो होम है होम के बदले गाइस आपका क्या है सर्विस का पेज है तो यहाँ पे स्पेलिंग बहुत मैटर करता गया इस ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं ठीक है यहाँ पे आपका क्या है अबाउट है ऑल राइट ठीक है एंड यहाँ पे आपका क्या गाइस इस यहाँ पे आपका है कॉन्टैक्ट सेव करता हूँ परफेक्ट गाइस अब एकदम परफेक्ट है अब यहाँ पे टॉप पे ध्यान दो आप अगर मैं, मैं लिखता हूँ अबाउट एंड ऑल राइट गैस आप देख सकते हो अबाउट पे मुझे दिखा नहीं कुछ भी अबाउट पे अबाउट का पेज ऑल राइट कैसे दिखाई देगा इधर होम है तो गाइस होम के बदले मुझे यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट को कॉल करना है उसी तरीके से आई थिंक कॉन्टैक्ट पे भी हो रखा होगा जी हाँ गाइस तो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखना है आपको इस तरीके से परफेक्ट एंड देन सर्विसेज में भी आपको लिखना होगा इस तरीके से सर्विसेज ठीक है गाइस हम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझेंगे एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है अभी देखो अब अबाउट पर अगर मैं क्लिक करता एंड बूम गाइस आप देख सकते हैं होम पेज एक सेकेंड अबाउट पर अभी भी होम पेज बता रहा है ये ये कैसे हो सकता है अबाउट ए बी ओ यू टी ए बी ओ यू एल आर्ट गैस तो ये भी बहुत एक ऑसम सा पॉइंट आ जाता है यू नो जहां पे हमें ये पता चलता है कि अब मैं अगर चाहूँ अबाउट ना लिख के अगर मैं लिखना चाहूँ लेट से कॉन्टैक्ट फिर भी मैं होम पेज पर आऊंगा गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था स्विच का काम ये है सबसे पहला मैच जो कर जाए उसको शो करा दो ठीक है हमने क्या बोला अगर मेरा पाथ फॉरवर्ड स्लैश रहा तो होम पेज दिखा दो ठीक है हमने बोला चलो ठीक है बट अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश एंड देन कॉन्टैक्ट लिखता हूं तो सबसे पहले गाइस कॉन्टैक्ट लिखने से भी पहले तो मैं फॉरवर्ड स्लैश तो लिख ही रहा हूं तो कह स्विच ने क्या कर लिया इसको पता लगा लिया अरे तो फॉरवर्ड है मतलब होम दिखा दो कुछ वो हो रहा है तो यहां है इट्स बेटर आप हर जगह लिखो ये एंड दैट इज योर एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली अगर यही रहा तो ही दिखाओ एल्स नहीं एंड गाइस आप देख सकते हो हमें कॉन्टैक्ट मिल चुका है उसी तरीके से अगर मैं चलता हूं अबाउट तो अबाउट एंड वी हैव अ सर्विस परफेक्ट वी हैव अ सर्विसेज का पेज बट अगर कोई यू नो फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी लिख दे उल्टा फुलटा तो क्या आप देख सकते हो हमारे पास कोई 404 जीरो एरर पेज है नहीं हालांकि उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका था लेकिन हम इस वीडियो में क्या करेंगे गाइस हम कोई एरर पेज थ्रो नहीं करने वाले हम सिंपली क्या करेंगे गाइस वी विल यूज़ द रीडायरेक्ट ये भी रिएक्ट रोटो डोम में आता है एंड बूम गाइस आप देख सकते हैं ये भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया ठीक है रीडायरेक्ट करूंगा मैं और ये बोलूंगा कि अगर कोई भी पाथ हो ना हो आई I मीन mean, अगर इन चारों के अलावा कोई भी पाथ मैच ना करे तो गाइस उनको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे भेज देना है दिस इज इट जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट होम पेज है कंट्रोलाइज सेव करता है गाइस अब आप देखोगे इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो भी हम बाई डिफॉल्ट होम पेज में ही आने वाले सो दिस इज द ब्यूटी तो गाइस हमारा ये जो एक्चुअल में जो टॉप पे यू का जो काम था वो तो कंप्लीट हो गया है नाउ वी नीड अ नैप बार ताकि एक्चुअल में यूजर जब यू नो क्लिक करे तो हमें वो पेज दिखाई दे क्योंकि कोई भी यूजर जाके गाइस ऊपर पे नहीं लिखेगा हाँ भाई इसका अबाउट पेज दिखा दो कोई नहीं करता ये तो अब वो हम कैसे कर सकते देखो इस हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया अब भी गाइस हमें एक न्यू पेज लगेगा एंड दैट इज आवर न्यू फाइल एंड नैप बार जी हाँ गाइस हम सब अलग अलग सिर्फ बूस्ट्राइफ में हमने क्या क्या था कहा? सभी एक ही पेज में कर दिया था यहाँ पे सब अलग अलग, अलग कंपोनेंट की तरह होने वाला है तो नेपब्बा डॉट जे एस एक्स ठीक है ऑल एट गैस कंट्रोल एस सेव करता हूँ नाउ सबसे पहले गाइस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अब हम नेब्बार यूज करने जा रहे हैं जो कि बूस्ट्राफ फाइव का है ठीक है अगर हम बूस्ट्रा फाइव डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में मैं आपको लेके चलता हूँ तो हमने क्या यूज किया था सीडियन लिंक बिकॉज इट इज मच फास्टर देन जो हम लोकल में सेव करके रखते हैं ठीक है बट नाउ अब अगर हम इम्पोर्ट यूज़ करते आई I मीन mean, जब हम अगर रिएक्ट यूज करते हैं ना तो हम सीडन लिंक का भी यूज कर सकते बट गैस मैं आपको बेटर सजेस्ट करूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर ही लिया है राइट हमने बूस्ट्रैप ऐप को जब इंस्टॉल कर ही लिया तो क्यों सीडन यूज़ करें प्योर एकदम जो हमारे सिस्टम पे उसी के थ्रू हम करेंगे तब ज़्यादा मजा आएगा राइट तो देखो हमने ये जो ऐप कंपोनेंट जब हमने यूज़ किया तो गैस एकदम टॉप पे आपको चलना है यहाँ पे अब अगर हम बूस्टैप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इन्होंने बोला है कि आपको सीएसएस एंड देन बूस्टर फाइव में आप जे क्वेरी तो रहा नहीं तो सब कुछ गाइस आपका जाव स्क्रिप्ट ही है तो वी नीड अ सी एस एस यू नो एंड देन वी नीड अ पॉपर डॉट जेस एंड देन बूस्टर डॉट मिन डॉट जेस तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो गाइस तो जब भी आप बूस्टर एप को करते हो इंस्टॉल ना तो गाइस आपको ये देखना है कि आपका ये जो नोट मॉड्यूल्स है ठीक है मैं आपको डायरेक्टली यहां दिखाता तो हूँ देखो इंपोर्ट देन गाय सिंगल या डबल कोट्स दीजिए बेटर डबल कोट्स दीजिए डॉट डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लाइस लिखोगे तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक नोट मॉड्यूल्स फॉरवर्ड स्लाइस में गाय आपको जाना है सिंपली बूट स्ट्रैप आप देख सकते हो बूट परफेक्ट एंड देन गाइस अगेन आपको इस तरीके से लिखना है यू हैव टू डिस्ट पे आपको जाना है फॉरवर्ड स्लैश आपको सी एस एस पे जाना है एंड देन गाइस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बुडस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस दिस इज इट गाइस एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा दिख रहा है ठीक है ऑल आट गैस तो इस तरीके से हमने बुडस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस यूज कर लिया लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए लेकिन मैं उसको अभी इम्पोर्ट नहीं करूंगा एंड मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक एक चीज की हम जावास्क्रिप्ट को इम्पोर्ट करें तो क्यों करें तो आप देख सकते हो गाइस हम बूटस्ट्रैप हाइप के ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं यहाँ पे सिंपली आपको कंपोनेंट पे जाना एंड वंस अगेन गाइस मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी बुस्टा फाइव इन वन वीडियो इन हिंदी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के ये दो घंटा ये ज़्यादा से ज्यादा अब इसको देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है ठीक है एंड तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट पे चलता वी हैव अ अब बार यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव अ अब बार कुछ मत सोचो यू you नो know, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा बिल्कुल आपको सोचना नहीं सिंपली इसको कर दो कॉपी जी हाँ गाइस एंड नैब बार पे आप चलिए आपको सिंपली नेब बार पे चलना गाइस आपको ये इंपोर्ट तो करना ही रहता है right? राइट आपको ये रिएक्ट को इंपोर्ट करना ही है ना ये जो आपका नेब बार है तो कॉन्स्ट आपको ये एन कैपिटल नैब बार इस तरीके से अगेन वही मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ आप सिंपली फंक्शन भी यूज कर सकते थे इस तरीके से परफेक्टली एंड देन गाइस मल्टीपल अब वो होने वाले राइट right? इस तरीके से एंड यहाँ पे जाके आपको उसको पेस्ट कर देना कंट्रोल एस सेव एंड गाइस आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप रेड लाइन देख सकते हो एक्चुअल में होता यह है कि सबसे पहली बात कि बुस्ट्रैप जो है वो क्लास यूज करता है बट इन रिएक्ट वी हैव अ क्लास कंपोनेंट जिसने क्लास कीवर्ड को यू you नो know, पहले से डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है तो हम क्लास कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते तो इंस्टेड ऑफ क्लास हमें यूज करना पड़ेगा गाइस हमें मैं आपको बताता हूँ क्लास नेम ठीक है तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से क्लास नेम कंट्रोल एस सेव तो सिंपली जितने भी क्लासेस लिखे थे आई I मीन mean, जितने भी क्लास थे गाइस उन सबको आपको चेंज कर देना है क्लास नेम में ठीक है इतना हो चुका है एंड फिर भी गाइस आप देख सकते हो कि आपको बहुत जगह इस तरीके से ये एरर टाइप दिखाई दे रहा है उसका रीज़न ये है कि बुस्ट्राइप एस्टेमल में हम अगर टैग को क्लोज भी ना करें ना तो चलता था बट इन रिएक्ट ये स्टेक है कि आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग करना ही पड़ेगा अगर उसका कोई क्लोज नहीं हो रहा है तो मैं आपको लेके चाहता हूँ मोस्टली जो इनपुट रहते हैं ठीक है आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये यह क्लोज नहीं हुआ है तो हमें इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंकर टैग ठीक है एलाइट ठीक है फिर इमेजेस यूज़ हो रहा है क्या कहीं पर तो गाइस यहाँ पे भी यू पे भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ठीक है एंड उसका प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है ऑलराइट right, यहाँ पे ये जो एच ले रखा है इन्होंने ठीक है ओरिजेंटल लाइन इसको भी चलो ये भी ठीक हो गया है एंड आई थिंक गाइस इतना ही था लगता है ये खाली दो ही चेंज करना था एंड हमारा ये कंप्लीट हो गया ठीक है एंड अब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो अब इसको मुझे सिंपली कंट्रोल एज सेव करना है मैं एकदम नीचे आता हूँ एंड आपको मालूम है अगेन गाइस आपको इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ताकि बाकी भी इसका यूज़ कर सके राइट एंड ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सो so, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ नेब बार कंट्रोल से परफेक्ट नाउ इस नेब बार को आपको करना है कॉपी जी हाँ गाइस आपको इसको करना है कॉपी ऐप पे चलिए ठीक है एंड ठीक इसके नीचे आइए हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता यू नो बट फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से आपको लिख देना है सॉरी ये आपको नहीं लिखना आपको डायरेक्टली लिखना है नेब बार फ्रॉम ठीक है कहाँ से मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स अगेन डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन गाइस आपका ये नेब बार आपको यहाँ पे मिल चुका है कंट्रोल से परफेक्ट ठीक है अब ये जो नेप बार था इसको करो कॉपी ये आपका अलग कंपोनेंट है इसको ठीक आप यहाँ पे एकदम टॉप पे जी हाँ गाइस आपको एकदम टॉप पे इसको ऐड कर देना ताकि वो आपको टॉप पे दिखाई दे सो थ्री टू वन एंड वोम गाइस आप देख सकते हो हमें नेप बार दिखाई दे रहा है ये देखो कितना ब्यूटिफुली लेकिन अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली डेट कि मैं ये ड्रॉप डाउन को आई यूज नहीं कर पा रहा हूँ जी हाँ गाइस ड्रॉप डाउन में इसलिए यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि गाइस बूस्टर वालों ने इसको बनाने के लिए जेस का भी यूज किया है एंड मैंने आपको वही बताया था मैं अब भी जे यूज नहीं करूँगा जब सही टाइम आएगा जब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई इस जगह पे अगर मैं यूज ना करूँ ना तो ये ये प्रॉब्लम दे रहा होता है तो गैस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप जे का यूज नहीं करते तो आप ड्रॉप डाउन यूज नहीं कर सकते ठीक है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है प्रॉपर्टी तो देखो गाइस कुछ नहीं करना यहाँ तक आप इसको कीजिए कॉपी ठीक है यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ सी तक चलते हैं सिंपली देन गाइस आप इंस्टेड ऑफ सी आपको लिखना है जे एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एंड ये वाले को आपको हीट कर देना है दैट इज़ वो स्टेप डॉट बंडल गैस इसमें आपके सब कुछ आ जाएंगे ठीक है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड गाइस अब आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन पे बुम गैस अब आप देख सकते हो आपके ड्रॉप डाउन आपको मिल रहा है परफेक्ट लेकिन हमें ये इस तरीके से नई चीज़ जो फिलहाल अभी हमें दिखाई दे रहा है राइट तो उसको हम कैसे एकदम बेटर कर सकते हैं गैस वो मैं आपको बताता दूँ देखिए तो अगेन मैं चलता हूँ आपको नेप बार पे एकदम परफेक्ट ठीक है तो सबसे पहले तो गैस ये जितने भी आपके नेप बार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एकदम टॉप पर आप आइए यहाँ पे गाइस आप क्या कीजिए एक डीप लीजिए परफेक्टली इस तरीके से ठीक है सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे क्लास नेम लिख देना इस तरीके से ठीक है एंड नाउ अब हम जब बूस्टर फाइव यूज करी तो हम कंटेनर फ्लूड यूज कर सकते हैं बहुत ईजिली ठीक है एंड यहां पे गाइस हमें एक नैब मैं लिखने वाला हूँ नैब वीजे करके क्लास लेने वाला हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैंने उसको क्यों यूज किया ठीक है उसी तरीके से गाइस मैं एक और डीप यूज करता हूँ एंड यहाँ पे आप मैं लिखने वाला हूँ सिंपली इस तरीके से क्लास नेम रो सिंपली जी हाँ गाइस क्लास नेम इक्वल टू यहाँ पे मेरा रो होने वाला परफेक्ट ठीक है perfect, तो गैस एक्चुअल में मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा जो हो ना मैं बेसिकली सिर्फ दस कॉलम का यूज़ करना चाहता हूँ और उसको सेंटर में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट स्पेस पे इसको नहीं दिखाना चाहता जो बहुत वेट दिखने वाला है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डेप इस तरीके से अब ठीक है वापस अब मैं यहाँ पे देखो गाइस मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ लिखने वाला हूँ कॉलम दस इससे होगा ये कि गाइस अभी आपको मालूम है बूस रहा फाइव में इन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी दिखा दिया ठीक है तो जितना भी हो जो भी हो इट डजेंट मैटर कॉल टेन मतलब हर जगह हर एक डिवाइसेस में टोटल तो बारह ही होते हैं यू नो बारह कॉलम तो दस कॉलम लेगा और एकदम सेंटर पे हमारा डिप को दिखाने वाला है तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स ऑटो ताकि वो सेंटर पे दिख जाए परफेक्ट ठीक है ना ये जो पार्ट पार्टन का ये बहुत जगह यूज होने वाला है तो इसको मैं फिलहाल के लिए कल कर करके रखता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ ठीक है अब ये जो तीन है इसको हटाओ अब एकदम लास्ट पे जाओ गाइस एकदम लास्ट लास्ट यहाँ पे ठीक है नैप के बारे इसको कंट्रोल एस सेव कर दीजिए तो अब आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें फ्रॉम लेफ्ट एंड देन राइट साइड से गैप मिल चुका है ठीक है अब भी सबसे पहले तो अब क्या करना है इसे सर्च हमें नहीं चाहिए एंड देन ये जो डिसेबल है ये मुझे नहीं चाहिए ये जो मेरा फॉर्म है ठीक है ये मेरा को फॉर्म भी नहीं चाहिए एंड देन ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है गा जिसके लिए मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन परफेक्ट ये जो ड्रॉप डाउन है ये ड्रॉप डाउन भी हमें जी हाँ आ, नहीं चाहिए ठीक है इसको भी मैं हटा देता हूँ तो कंट्रोल एस सेव नाव गाइस अब कुछ बेटर और थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा तो है तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए नाव अब आपको सिर्फ नैबा होम एंड देन लिंक दिखाई दे रहा है ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लिंक है गाइस अब इसी को ही आपको करना है कॉपी ठीक है पेस्ट पेस्ट परफेक्ट देखो इस लिंक के बदले आप लिख दीजिए अबाउट आई थिंक अबाउट नहीं था यहाँ पे वी हैव अ सर्विसेज ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना है सर्विसेज यहाँ पे आपको चलना है यहाँ पे आप लिख दीजिए अबाउट एंड देन यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट ठीक है नाउ सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए तो गाइस वी हैव अ होम सर्विस अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट ठीक है थोड़ा सा ऊपर आइए जो हमारे यूएल जो आपको दिखाई देता है गाइस यहाँ पे एम आर ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एम आर मार्जिन राइट ऑटो हमें लिखना है मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली यहाँ पे वो जा चुका है ऑलर गाइस तो आप देख सकते हो बहुत औसम awesome एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है एंड आपने एक चीज़ क्लियर नोटिस कर लिया होगा डैट इज़ कि पहले जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं दिखाई दे रहा है आपने नोटिस किया होगा गाइस हमारा एक्चुअल में जो बैकग्राउंड का कलर था वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है जो हमारे एक्चुअल में जो हमारे होम पेज का जो बैकग्राउंड है उसके साथ एंड अब आप, आप देखोगे जब जब मैं होवर करो तो गाइस वो कलर भी चेंज कर रहा है एंड जो एक्टिव वाला पेज है जो कि फ़िलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से हटाता हूँ अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको होम पे ठीक है तो आप देख सकते हो गाइस अब मेरा ये होम पेज थोड़ा डार्क हो चुका है बिकॉज ये अभी फिलहाल एक्टिव है एंड वैसे ही अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल तो गाइस अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने उसका काम किया नहीं लेकिन इतना कुछ होने का रीज़न गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा डैट इज कि सबसे पहले मैंने विद दी हेल्प ऑफ गूगल फॉन्ड्स गाइस ये जो मूली करके यू <laughs> नो ये जो फॉन्ट का नाम है उसको मैंने यहाँ पे इंक, इंक्लूड किया हुआ है तो सिम्पली आपको गूगल फॉन्ट पे जाना है मैंने ऑलरेडी गूगल फॉन्ट्स का जो न्यू लुक है उसके ऊपर वीडियो बना चुका है सिंपली आप टू राइट मूली इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने जो रेगुलर है रेगुलर जी आ गए सेलेक्ट्स दिस स्टाइल एम्बेड पे आपको जाना है इंपोर्ट पे आपको जाना है इसको इम्पोर्ट करना है जो कि मैंने यहाँ पे किया एंड देन फॉन्ट फैमिली को मैंने सिंपली इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मूली ठीक है इसको ही कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल एस से परफेक्ट ठीक है तो इस तरीके से गाइस मैंने इतना कुछ किया था इसका एंड देन हमारा ये जो नेैब बार है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट बेसिकली व्हाइट रख दिया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है दैट्स द रीजन वाई गाइस वो गायब हो गया हमारा जो नेपब बार ब्रांड है बेसिकली ये जो नैब बार है यहाँ पे आप देख सकते हो उसको गाइस मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है एंड देन उसका कलर मैंने चेंज किया हुआ basically, simple है बेसिकली सिंपल है एंड गाइस इसको मैं टाइप नहीं करके डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आई नो मुझे भरोसा है आप पे कि आप ये बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं फॉन्ट साइज़ कलर एकदम बेसिक है ये राइट right? लेकिन साथ ही साथ मैं आपको शायद यहाँ पे कोड भी दिखाना चाहूँगा डैट इज़ यहाँ पे ये देखो नैब बार सिंपली नेप बार है अब इस नेब बार को गाइस मैं हटा के लिख देता हूँ थापा टेक्निकल इफ़ यू वांट आप अपना यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो जी गाइस अब आप देख सकते हो थापा टेक्निकल ठीक है तो ये जो नेप बार है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया वी हैव अ नैब बार ठीक है एंड ये जो नेपब बार ब्रांड था वो हमारा ये था थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे जितने भी नेब बार के अंदर एंकर टैग है बेसिकली सभी हमारे एंकर टैग ही है तो उसको मैंने गाइस कैपिटलाइज किया दैट्स द रीजन वाई गाइस एच एस ए एंड देन सी सब कैपिटल है एंड देन गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ मेन्यू एक्टिव ये क्या मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद अभी तक हम उसमें पहुंचे नहीं लेकिन ये सिंपल नेब बार एंड देन एंकर टैग जो भी है नेब बार के अंदर हमारे ये जितने भी एंकर टैग है अगर उसको मैं करता हूँ होबर तो मैंने कलर चेंज कर रखा है एंड दैट इज द रीजन वाई गाइस ये कलर चेंज हो रहा है अब आपको पता चला गाइस इतना ही था बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे सिंपल ठीक है ऑल राइट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस अगर मैं इसको करूंगा ना क्लिक तो ये पेज को रिफ्रेश कर देगा जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते जो कि टोटली अपोजिट हो जाएगा रिएक्ट एप्लीकेशन के ठीक है तो देखो अब हम क्या कर सकते हमने ऑलरेडी जी हाँ गाइस हमने ऑलरेडी रिएक्ट राउटर के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखा था मैंने 10 मिनट में सब कुछ करके भी आपको बताया था लेकिन फिर भी देखिए जितने भी एंकर टैग है ना गाइस आपको सिंपली एंकर टैग को रिप्लेस करना है विथ नैब लिंक जी हाँ गाइस तो मैं ये जितने भी ए ए दिखता है ठीक है ए ए कहां, कहां दे होता है देखते सी एंकर देखो मैं कंट्रोल डी प्रेस करो हटाओ एन ए एन कैपिटल होगा राइट क्योंकि इसको भी हम इंपोर्ट करने वाले फ्रॉम रिएक्ट आउट नैब लिंक एंड साथ ही साथ ये जो एल है ना इसको भी आपको कैपिटल में रखना है दिस इज इट कंट्रोल से करूंगा एंड लेट्स सी इंपोर्ट हुआ कि नहीं टॉप पे किस ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो वी नीड टू इंपोर्ट आप सेपरेटली लिया यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना होगा नैब एंड देन पे आप देख सकते हो नैब लिंक फ्रॉम कहाँ से फॉर्म uh, आपको चाहिए यू नो रिएक्ट राउट आउट डोम कंट्रोल सेव कर लेता हूँ लेट्स सी कैसा दिखता है गाई? कुछ दिखने वाला नहीं है परफेक्ट ठीक है कोई बात नहीं अब मैं आपको बताना चाहूंगा एंकर टैग के बदले हमने लिखा नैब लिंक सो so ये एच है जो मेन हमारे लिए पेज को रिडायरेक्ट करने का काम करता है ना इंस्टीट्यूट ऑफ एच रफ गाइस आपको लिखना होगा टू जी हाँ गाइस अब आपको क्या लिखना गाइस यू लिखनाइट टू मतलब नैब लिंक पे जब भी कोई करे क्लिक तो कहाँ उसको रिडायरेक्ट करना है तो गाइस ये जो पार्ट है सबसे पहले तो हमारा ये जो लोगो पे कोई भी क्लिक करे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होम पेज पे जी हाँ गाइस तो ये जो बात है अब ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है ठीक है इसी बात को मैं अब यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ उसी तरीके से गाइस हमारा ये जो होम है अगेन होम पे ये ही हमारा ठीक है एंड देन सर्विसेज पे आपको जाना है टू के बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्विस ठीक है कैपिटल नहीं लिखना यहाँ पे आपने सर्विसेज के लिए जो लिखा है ना उसको करो कॉपी यहाँ पे आप चिपका दो इस तरीके से एक सेकेंड कहा गया इस जगह पे ठीक है नेब बार ठीक है यहाँ पे देखो सर्विस कंट्रोल सेव यहाँ पे वापस आइए कॉन्टैक्ट को कॉपी करो यहाँ पे आओ कॉन्टैक्ट के लिए यहां पे आपको जाना है फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आपको कॉन्टैक्ट यूज करना है उसी तरीके से यहाँ पे आइए अबाउट को करो कॉपी अगेन नेब बार पे आपको जाना है यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से लिखना है अबाउट ठीक है एंड वन सेकेंड गाइस कंट्रोल कंट्रोलर सेव करूंगा तो अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है आप देख सकते हो सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट दिस इज इट गाइस कैसा लगा आपको कितना ऑसम ये देखो अबाउट सर्विस अबाउट देखो होम पेज पे आ चुका परफेक्ट ठीक है एंड आप देख सकते हो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है ऑल right, इतना हो चुका है लेकिन फिर भी गाइस आप एक चीज़ करो कि यहाँ पे गाइस यहाँ पे भी आप एग्जैक्ट यूज़ कर लीजिए ठीक है जो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड एक और चीज़ ये कि गाइस अब विद दी हेल्प ऑफ नैब लिंक हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं यू नो मैं आपको बताता तो हूँ कौन सा जिससे कि कौन सा पेज अभी करेंटली एक्टिव है हम उसको भी बता सकते हैं सो आई थिंक आई थिंक ये हर जगह परफेक्ट है ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक इसके नीचे ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो गाइस एक्टिव क्लास नेम आपको लिख देना है इक्वल टू यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली मैंने आपको वहाँ पे बताया था गाइस याद है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था आ, हमारा इंडेक्स डॉट सेसेस पे सही टाइम पे बताऊँगा कहाँ था देखो नाउ वी हैव अ मेन्यू अंडर स्कोर एक्टिव जहाँ पे फॉन्ट वेट को मैं कर दूंगा बोल्ड एंड बॉर्डर बॉटम यूज करने वाला मतलब जो भी पेज एक्टिव है करंटली अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सर्विस का पेज जो है वो एक्टिव रहेगा ठीक है तो इसको मैंने किया कॉपी यहाँ पे मैं चलता हूँ अभी भी परफेक्ट है अब ये लेकिन डॉट आप ऐड मत करो क्योंकि डॉट तो हम से सेसस में क्लासेस को एक्सेस करने के लिए करते थे राइट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस अब आप देख सकते हो ये भी ऐड हो गया ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे एक्टिव को यह हटाओ फिलहाल कंट्रोल एस सेव करते परफेक्ट तो वो जा चुका है सर्विस होम अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट दिस इज इट गाइस हमारा नेब बार एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है ठीक है ऑल राइट अब हमारा होम पेज गाइस आपने देखा कितनी इजीली हमने इसको एकदम परफेक्टली क्रिएट कर लिया विद दी एंड हाँ ये तो बताना ही बोल गया कि ये रेस्पॉन्सि भी है जी हाँ गाइस ये देखिए ये एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है सर्विसेज अबाउट एंड देन कॉन्टेक्ट देखिए सर्विसेज अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट कैसा लगा आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं गाइस यहाँ पे देखिए आईफोन टेन पे कैसा दिखाई देगा इस तरीके से देखो है कि नहीं ये ऑसम ऑल ठीक है इतना मैंने हटा दिया परफेक्ट ना अब मैं चलता हूं मेरे होम पेज पे जी हाँ गाइस अब हम होम पेज पे चलते हैं अब ये होम पेज को कैसे करना है देखो गाइस तो सबसे पहले तो गाइस आपको इसको रिमूव करना है एंड हेर यू हैव टू राइट अ सेक्शन मैं एक सेक्शन एलिमेंट यूज़ करने वाला हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट हमें यू नो एस एम आर फाइव ने प्रोवाइड करा रखा था यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस यहाँ पे मैं एक आईडी देने वाला हूँ इसको एंड दैट इज योर हेडर एंड आप समझ चुके हो क्यों मैं हेडर देने वाला हूँ ठीक है क्लास नेम देने वाला हूँ जिससे आपका अभी फिलहाल क्लास नेम मैं अभी नहीं देता हूँ वो जब टाइम आएगा तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू नो मैंने आपको बोला था ये हर जगह यूज बना इसको करो कॉपी हालांकि पांच मिनट दस सेकंड का काम था इसको लिखना right, आपको पता चल ही चुका होगा मैंने क्या किया अगेन फिर से वही है कि मैं सिर्फ चाहूंगा इंस्टेड ऑफ ट्वेल्व मुझे सिर्फ दस कॉलम पे काम करना है उसको एकदम सेंटर पे मुझे दिखाना है बस यही है इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं ना अब आपको याद है वहां पर दो था एक लेफ्ट साइड को था एक राइट right साइड को था ठीक है तो मैं वो कैसे होता है बताता देखो गाइस हम ग्रिड सिस्टम यूज करने वाले हैं जो कि बहुत मजा आने वाला है यू you नो know? जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है रेस्पॉन्प में खेलने के लिए तो वी नीड टू राइट कॉल गाइस अगेन मीडियम आप जाओ और छ इट मीन सब आपके बराबर हो जाएंगे ठीक है एंड देन पैडिंग टॉप में यूज करने वाला हूँ पाँच उसके बाद गाइस पैडिंग टॉप जो मेरा लार्ज में होगा लार्ज में मुझे बिल्कुल भी यूज नहीं करना ठीक है इतना मेरा काम हो चुका है बेसिकली पैडिंग ऊपर से जो हम पैडिंग यूज़ करते हैं याद है कि नहीं आपको ठीक है यहाँ पे गाइस मेरे पास ऑर्डर है ऑर्डर फिलहाल इसको अभी मैं रखता हूँ टू मेरा जब मोबाइल आएगा तो मोबाइल में मैं रखूंगा इसको वन मतलब वेबसाइट पे मेरा ये ऑर्डर पहला ही रहेगा लेकिन जब मैं मोबाइल यूज़ करूँगा गाइस इसका ऑर्डर नीचे आ जाएगा ठीक है अब आपको पता चल जाएगा अब इसका बिल्कुल टेंसम मत लीजिए परफेक्ट कितना हो चुका गाइस अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है मुझे सिंपली एक एच यूज़ करना है ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ इसको क्रॉस कर देता हूँ एंड मेरा एच परफेक्ट ठीक है ग्रो योर बिजनेस एंड स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना विथ थापा टेक्निकल ठीक इस तरीके से विथ यहाँ तक मैंने लिखता हूँ एंड यहाँ पे चल के ऐसे ही जो थापा टेक्निकल है बेसिकली इसको मैंने क्या किया हुआ है कि इसको मैंने एक अलग सा टैग आई मीन बेसिकली स्ट्रॉग टैग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ एंड पता चले जी हाँ कि हाँ इसमें बात है एंड सिंपली हैव राइट टेक्निकल ठीक है परफेक्ट यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो अपने ब्रांड का कुछ ही नहीं इसको मैं हटा देता हूँ कंट्रोल एसिफ ठीक है मेरा एच वन कंपनी रु चुका है राइट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ H2 जी हाँ गाइस यहाँ पे मैं H2 यूज़ करने वाला हूँ और इस H2 को मैं बेसिकली एक क्लास नेम देने वाला हूँ क्लास नेम में गाइस मैं यहाँ पे मार्जिन ऊपर और नीचे से मैं देने वाला हूँ थ्री परफेक्ट है इस तरीके से इतना हो गया अब मैं यहाँ पर चलता हूँ तो सिंपली गाइस आपको लिखना है वी आर दी टीम ऑफ टैलेंटेड जी हाँ गाइस यू नो टैलेंटेड डेवलपर डी कैपिटल नहीं सब स्मॉल में ज़्यादा डेवलपर मेकिंग वेब भी कैपिटली वेबसाइट्स तो सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ कंट्रोल एस से परफेक्ट ठीक है एंड नाउ ठीक इसी के नीचे जाना है इसमें क्या करने वाला हूँ एक और डिप यूज़ करने वाला क्योंकि अब मुझे ए, उस डिप को थोड़ा सा स्टाइल करना है डेट्स द रीजन वाई तो मार्जिन टॉप में अगेन गाइस उसको भी मैं थोड़ा सा गैप देना चाहूँगा ऊपर से ठीक है एंड डायरेक्टली मैं इस तरीके से तो लिख नहीं सकता क्लास नेम एंड देन अब मार्जिन टॉप मुझे देना है थ्री एंड आई डोंट नो एक किस तरीके से दिखाई दिया कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस अब यहाँ पे मुझे एक बटन यूज करना होगा लेट्स गो विथ एंकर टैग जी हाँ गाइस लेट्स गो विथ एंकर टैग एंड यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे एंकर टैग में क्या होता हुआ है एच रेफ एच रेफ फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं देता यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा गेट स्टार्टेड ठीक है गेट स्टार्टेड मैंने सिंपली लिख दी कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी गाइस ये दिखता कैसे अभी मैं कहाँ अबाउट पेज होम पेज चलता है ऑलराइट गाइस कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है अब ये जो आपका आप कह सकते हो ये जो एंकर टैग है ठीक है इसको हमें क्लास देना पड़ेगा ताकि ये एक्चुअल में बटन की तरह दिखाई दे सो so गाइस मैंने जो क्लास ले रखा है मैं बताना चाहूँगा बी टी एन गेट ऑल राइट सजेशन नहीं आ रहा वापस टाइप करना पड़ेगा बटन गेट स्टार्टेड सिंपल कंट्रोलर सेव करता हूँ एंड परफेक्ट आप देख सकते हो बहुत ये ऑसम awesome दिखाई दे रहा है।, है कि नहीं अब भी इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से तो गैस आप देख सकते हो गैस बहुत मजा आने वाला एंड डोंट वरी आपको अभी ये हार्ड कॉपी लग रहा है लेकिन मैंने आपको क्या बताया होम पेज हमारा सिर्फ एक लाइन होने वाला ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करने वाले हैं कि तो इतना हो चुका है एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मेरा थापा टेक्निकल है यहाँ पे गाइस मुझे एक और क्लास नेम ऐड करना है एंड दैट इज़ माई ब्रांड नेम जी हाँ गाइस बी आर एन डी एंड देन आपको हाइफन देना है ब्रांड नेम कंट्रोल एस सेव कर दीजिए सिंपली ठीक है एंड अगेन ये जो आता है इसको हटा दिया करो परफेक्ट गाइस अब आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा होता है जो कि ठीक है फिलहाल के लिए अभी ठीक है एंड नाव ये जो डिप है डिव डेव डिप यहाँ पे ठीक है गाइस इस जगह पे हमारा ये डिप कंप्लीट हो रहा है ऑल ठीक right, है ठीक इसके नीचे आपको आना नाउ वी नीड अनदर डिप ताकि हम इमेजेस का यूज़ कर सके ठीक है तो गाइस इसको मैं क्लास देता हूँ देखो अगेन वही कॉलम लार्ज एक काम करते गाइस लार्ज पे ही चले जाते हैं कॉलम लार्ज सिक्स इसको हाइफन दे दीजिए ठीक है सिंपल इतना हो चुका है ना यहाँ पे गए इस ऑर्डर के साथ हमें खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि फिलहाल अभी ये जो है इसको हमें ऑर्डर वन करना है मतलब मोबाइल में ये टॉप पे दिखाई दे रहा बट अभी जो लार्ज डिवाइसेस पे हमें ये नीचे ही दिखाई देगा ठीक है इसको इस मैंने एक क्लास दे रखा डैट इज योर हैड हाइफन इमेज कंट्रोल सेव कर देता हूँ दिस इज इट एंड ठीक इसी के नीचे मैंने जाना है मुझे यहाँ पे लिखना है इमेज इमेज को गाइस सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको करना पड़ेगा वरना ये भी एरर दिखा देगा उसके बाद गाइस आपको सोर्स देना है सोर्स का मैं आपको एक बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप उसका यूज कर सकते हो ठीक है फिलहाल यहाँ पे भी मुझे एक क्लास नेम देना है डैट इज योर इमेज फ्लूट ताकि ये रेस्पॉन्सिव बने रहे एंड यहाँ पे वो जो एनिमेट हो रहा है गाइस वो बिकॉज ऑफ ये वाला क्लास ठीक है ऑल्ट हालांकि ये जो क्लास है ना गाइस से बाई डिफॉल्ट क्लास नहीं है पहले बता रहा हूँ इसको मैंने कोड किया हुआ है ऑल्ट में आप लिख सकते हो आप कुछ भी लिख सकते थे वैसे लेकिन अल्टरनेट लिखना बहुत जरूरी है एल्स इसका भी एरर आ जाता है ऑल राइट right, आप देख सकते हो सोर्स में अभी कुछ दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे यहाँ पे का आपको सिंपली चलना है जी हाँ इस जगह पे पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड मैंने बताना चाहूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस नाम का फोल्डर है जहाँ पे मेरे पास इमेजेस भरे पड़े यू नो इमेजेस मेरे जितने भी चीज़ सब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे जब जब उनकी सही टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा वहां से यूज़ करने वाला हूँ सो इम्पोर्ट फिलहाल के लिए मैं वेब नाम दे देता हूँ इक्वल टू नहीं देना है आपको लिखना है फ्रॉम एंड देन आपको डबल कोट्स डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैस आप नोट मॉड्यूल्स पे नहीं आपको जाना है सोर्स पे फॉरवर्ड स्लैस आपको जाना होगा इमेजेस पे फॉरवर्ड स्लैस गाइस आपको दिखेगा नहीं तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा इमेज टू डॉट वो मेरा एस है डेट्स द रीजन वाई गाइस उसका जो पिक्सल की क्वालिटी है वो फट नहीं रहा है जो जैसा है वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है एंड फिलहाल दिखेगा नहीं तो अब ये जो वेब है उसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं पेश करने वाला हूँ कंट्रोल एस सेव एंड हमने कले ब्रेसेस के अंदर इसलिए लिखा गाइस क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है एंड जेस के अंदर इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट आपको कले ब्रेसेस यूज करना ही पड़ता है एंड परफेक्ट आप देख सकते हो बहुत औसम दिखाई दे रहा है बट द रीजन ये एक के नीचे एक आ रहा है उसका क्या रीज़न है गाइस वो हमें देखना पड़ेगा डीप ऑल राइट गाइस उसका रीजन मैं आपको बताती तो हूँ ये देखो रो हमने यूज़ किया एंड देन कॉलम यूज़ किया डायरेक्टली हम कॉलम नहीं यूज कर सकते ना हमें इसको इस डीप में जहां हम ये कॉलम यूज करें वहां पे भी मुझे एक और रो देना ही पड़ेगा क्लास नेम एंड देन रो कंट्रोल एस से अब इस रो को हटाओ एंड ठीक ये जो डिप खत्म हो रहा है यहाँ पे ये यह खत्म हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आप चिपका दीजिए एंड बूम गाइस अब आप देखोगे परफेक्टली आपको दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि गाइस इनमें वो अब क्लियरली बता सकते हो कि गाइस इनमें पैडिंग की बहुत कमी हो रही है ठीक है लेकिन एटलीस्ट इतना तो आ ही चुका है सर्विसेज अबाउट एंड देन होम पेज परफेक्ट ठीक है अभी हम चलते हैं एंड लेट्स सी कि गाइस हमने कहां पे कौन सा क्लास मिस किया हुआ है ठीक है अभी देखो मुझे ये सबसे पहले तो वर्टिकली एकदम सेंटर में चाहिए जी हाँ तो अभी क्या करता होगा इसमें एकदम टॉप पे चलते हेर वी हैव अ क्लास नेम ये जो मेरा हेडर है यहाँ पे मैं गाइस सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स जो कि आपको याद है डिस्प्ले फ्लैक्स ऑल राइट ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया बट अब आ चुका है एंड देन अलाइन आइटम सेंटर इतना लिखने मात्रा से गाइस अब आप देख सकते हो जैसा मुझे चाहिए वैसे मुझे मिल चुका है लेकिन फिर भी ये जो मेरा पार्ट है गाइस ये अभी भी परफेक्टली सेंटर में नहीं है ठीक है तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ जो मेरा एक्चुअल डीव है यहाँ पे मैंने आना है यहाँ पे गाइस अगेन मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स ठीक है एंड देन गाइस मेरे को लिखना है फ्लैक्स कॉलम फ्लैक्स कॉलम मिल नहीं रहा लेकिन मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से तो अब आप देखोगे क्या हो रहा है सब के सब एक रो में आ चुके हैं एंड डेट्स वाई गाइस मैंने फ्लैक्स कॉलम बोला बट मैंने लिखा नहीं ताकि अब आप आपको पता चलेगा कि मैं फ्लैक्स कॉलम क्यों लिखना चाहता हूं ताकि वो एक के नीचे एक आए एंड परफेक्ट गाइस अब ये परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है एंड बहुत औसम awesome भी अब हमें ये लग रहा है ठीक है तो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है तो सिंपली कंट्रोल कंट्रोलाइस सेव करना एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल अब हमें ये दिखाई दे रहा है ऑल राइट सर्विसेस अबाउट एंड देन होम पेज ठीक है अब भी हमारा ये जो होम uh, पेज है डिट वही हमारा अबाउट पेज है राइट right? लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस अभी तक हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए ठीक है तो पहले वो मैं चेंजेस कर देता हूँ सबसे पहला चेंज ये कि जितने भी आपके एंकर टैग है उसको हटाओ ठीक है इंस्टीट ऑफ एंकर टैग गाइस आपको मालूम है क्या लिखना है वी नीड टू राइट नैब लिंक एंड जैसे ही आप ऐड करोगे आई थिंक अब वो इंपोर्ट हो गया जी हाँ गाइस अब आप, आप देख सकते हो इम्पोर्ट हो चुका है वो नैब लिंक को कीजिए कॉपी पेस्ट परफेक्ट इंस्टीड ऑफ एच रेफ आपको लिखना है टू ठीक है एंड यहाँ पे गाइस आप फॉरवर्ड स्लैश दिस इज इट सॉरी फॉरवर्ड नहीं यहाँ पे आप फिलहाल के लिए सर्विसेज क्योंकि मैं होम से डायरेक्ट उनको सर्विसेस वाले जगह पे भेजना चाहता हूँ ठीक है तो अब आप, आप देखोगे क्लिक करता हूँ बूम गाइस कैसा लगा एंड द बेस्ट पार्ट है कि रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है अगेन होम एंड सर्विसेस परफेक्ट ठीक है ना ये सब जो कुछ हो रहा है इस एनिमेटेड कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ देखो सिंपली मैंने एनिमेटेड क्लास यूज़ किया है एंड अगर मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस पे लेके चलता हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो मेरा ये हैडर जी हाँ गाइस पूरे डीप को मैंने हेडर दिया था तो मैंने हाइट एट्टी बी एच वर्टिकल हाइट मार्जिन टॉप ऊपर से 70 पिक्सल दे रखा है हेडर के अंदर जो मेरा एच वन है मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट है उसको आप मार्जिन फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट एंड देन कलर ब्लैक बेसिक उसमें जो मेरा ब्रांड नेम है जी हाँ गाइस मेरा ब्रांड नेम क्या था थापा टेक्निकल एंड ऑल राइट आप देख सकते हो चिपक चुका है तो इसको पहले हटाओ ब्रांड नेम ब्रांड नेम होम ना तो होम पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखो स्पेस दे दीजिए इस तरीके से एंड ऑल राइट गैस अब अब परफेक्ट दिखाई दे रहा है अब ये औसम awesome दिख रहा है अलग सा थापा टेक्निकल परफेक्टली ठीक है तो आ, मैं यहाँ पे लेके चाहता हूँ सिंपली कलर चेंज किया बाकी कुछ नहीं किया ये जो मेरा एच टी बेसिकली वी आर दी टीम जो भी है अब आप देख सकते हो उसको मैंने कलर एंड देन फॉन्ट और बाकी सेम है बट आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे बटन मैंने कैसे किया होगा तो बटन देख सकते हो गाइस सिंपली फॉन्ट वेट उसकी फॉन्ट की साइज लेटर सिर्फ एक दिया है देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड देन पैडिंग ऊपर और नीचे से बेसिकली ऊपर और नीचे से टेन पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से थर्टी पिक्सल बॉर्डर रेडियस डैट इज द रीजन होगा गाइस कुछ हमें इस तरीके से दिखता है वो ट्रांजिशन आप देख सकते हो कि वो फट से नहीं आ रहा है वो हल्का सा टाइम ले रहा है मतलब एक सेकंड का आधा तो वो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कलर वो चेंज कर रखा है बॉर्डर का जो ये जो दिखता है आपको ये जो बॉर्डर वो बिकॉज ऑफ दिस एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन बिकॉज ये एक एंकर टैग है उसका डेकोरेशन नन करना जरूरी है एंड जब भी कोई इस पर करेगा हुबर तो सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर फिल कर दे रहा हूँ एंड उसका कलर जो है यू you नो know, जो पहले ब्लू था हुबर करने पर उसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ सिंपल एंड ये जो मेरा इमेज है गाइस हेडर का जो इमेज है करेंटली वो अभी राइट right साइड में दैट इज द रीजन वाई गाइस आप वेबसाइट को बहुत परफेक्टली देख सकते हो कि एकदम जहां से इसका ये स्टार्ट हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है जहां से कॉन्टैक्ट का ये खत्म हो रहा है वहां पे ये खत्म हो रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है एंड परफेक्ट उनका रीजन ये है कि मैं एक कॉलम में दस कॉलम यूज कर रहा हूँ बाकी जो है एकदम सेंटर पे दिखा रहा हूँ ठीक है तो कैसे इतना ही था इसमें ऑल राइट हाँ एनिमेशन तो मेन ये देखो एनिमेटेड कैसे मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड के ऊपर वीडियो बनाया उसका लिंक टॉप पे दे दूंगा बेसिकली मैंने ये मेरा एनिमेटेड का नाम है यू नो एंड देन आप देख सकते हो दो बार मैंने सेम कोड लिखा है जस्ट टू मेक श्योर कि ये हर एक ब्राउजर पे एकदम परफेक्टली दिखाई दे ठीक है ये हमारा सिंपल एज इट इज़ रहता है जहाँ पे मैंने हमारा एनिमेशन का नाम ये दे रखा है दो सेकंड के लिए होगा ईज इन आउट ये भी एक प्रॉपर्टी है सिंपल इन्फिनेट चलते रहना चाहिए अल्टरनेट रिवर्स इसका मतलब ये कि जब वो नीचे आता है तो कैसे फट से ऊपर नहीं जाएगा वो जब नीचे आएगा वापस नीचे से ऊपर जाने में भी सेम वही स्पीड लेगा जो ऊपर से नीचे आने में ले रहा है ठीक है अगर मैं इसको हटा दो ना ये देखो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ठीक है देखो ये देखा देखा आपने ठक ये देखो ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है वो देखो तो वो हमें नहीं चाहिए ठीक तो है तो कंट्रोल या सेव करता है बोत गैस वही है सेम आ एंड देन सिंपल है जीरो परसेंट से लेके हंड्रेड परसेंट तक आप लिख सकते हो मैंने लिखा जब जीरो रहेगा तो ट्रांसलेट वाई मतलब ऊपर में टेन पिक्सल लेकिन जैसे ही हंड्रेड परसेंट हो जाएगा मतलब दो सेकंड कंप्लीट होने वाला होगा वापस मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ वाई मतलब ऊपर फेंक रहा हूँ एंड देन वापस उसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ सिंपल तो इतना ही था कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ तो गाइस आई होप अब आपको पता चल ही चुका होगा ना होम पेज मेरा जो है डिट्टू मेरा अबाउट पेज वही है राइट right? तो मैं क्या करता हूँ होम पेज को डिट्टू कर लेता हूँ एक सेकेंड जी हाँ इसको मैंने की कॉपी अबाउट पे जाके चिपका देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो ये जो मेरा होम पेज है जहाँ ये होम 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 ठीक है इसको लिखो गाइस इस तरीके से अबाउट ठीक है अबाउट लिखा परफेक्ट तो लेट्स सी क्या होता है अबाउट पे ऑल ठीक है होम पे अबाउट पे होम पे एंड अबाउट पे दोनों सेम दिख रहे हैं ठीक है गाइस इतना हो चुका है देखो अब दोनों जब सेम है तो रिएक्ट ये नहीं बोलता है ना आई I मीन mean, आप समझ रहे हो अगर बूस्ट्राइब होता तो हम यही करते थे लेकिन रिएक्ट बोलता भाई जितना कम हो सके उतना कम आप यूज करो लेकिन यहाँ पे सेम पीस कोड सिर्फ और सिर्फ गाइस उनका ये जो आ, डेटा है वो चेंज हो रहा है मैं अगर आपको लेके चलूँ तो ये जो ग्रो योर बिजनेस विथ लिखा था ना गाइस इसके बदले ग्रो योर बिजनेस विद जी हाँ यहाँ पे हम मैंने क्या लिखा था आपको याद है वेलकम टू अबाउट पेज जी हाँ मैंने लिखा था वेलकम टू अबाउट पेज सिंपली इस तरीके से कंट्रोल या सेफ मैंने कर दिया है तो मैंने सिंपली बस इतना लिखा था तो इसको चेंज करने के लिए एंडी गेट स्टार्टेड के बदले मैंने वहाँ पे लिखा था कॉन्टैक्ट नाउ कंट्रोल एप तो गाइस सिर्फ और सिर्फ ये देखो अबाउट में सिर्फ ये और ये चेंज हो रहा है बस यही दो चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए सेम क्यों लिखे तो अब हम क्या कर सकते हम एक कॉमन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दोनों के लिए एंड सिंपली एज अ प्रॉप्स पास करके उस कॉमन कंपोनेंट को कॉल करेंगे बेसिक ठीक है देखो यहाँ पे सोर्स पे चलना है न्यू फाइल पे गए सी कैपिटल हाँ इतना आपको याद रखना है कॉमन डॉट जे एस एक्स कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ परफेक्ट ठीक है तो सिंपली गाइस अबाउट को करो कॉपी एंड कॉमन पे चिपका दो ठीक है अभी इसको फिलहाल यहाँ से साइड हटा देता हूँ देखो आपका ये जो अबाउट uh, वाला जो पेज है कि नहीं अबाउट अबाउट और ये जो भी अबाउट जहां जहाँ लिखे इसको हटाओ फिलहाल तो इसको कर दो आप इस तरीके से सी ओ डबल कॉमन क्या होगा इसमें कॉमन सिंपली आपको कॉमन लिख देना इस तरीके से बेसिक सिंपल ठीक है यहाँ पे कॉमन हो चुका कंट्रोल एस सेव लेट सी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ uh, अब ये जो अबाउट है गाइस हमने इतना कुछ जो लिखा है सेक्शन इसको हटाओ यहाँ पे सिंपली आप क्या करो गाइस उस कॉमन को कॉल करो सी ओ डबल एम ऑन कॉमन परफेक्ट कंट्रोल एस सेव अभी वो दिखेगा नहीं जब तक आप उसको यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करोगे तो गाइस आपको सिंपली करना है इम्पोर्ट यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कॉमन ठीक है इस तरीके से कॉमन एक सेकेंड कॉमन क्या लिख दिया मैंने ऑल राइट गाइस कॉमन लिख दिया मैंने चलो कोई नहीं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम अगेन वही गाइस डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉमन ठीक है इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ परफेक्ट ठीक है ना डिटो इसी को मैं करना है कॉपी होम पे चलता हूँ एंड ये जो होम पे भी मैंने इतना कुछ लिखा था इसको मैं हटाता हूँ सबसे पहले तो इसको मैं करता हूं इंपोर्ट अब ये जो मेरा कॉमन है इसको मैं कॉपी करता हूं यहां पे मैं चलता हूं इस जगह पे ठीक है कॉमन लिखा एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूं दिस इज इट तो, तो गाइस आप देखोगे होम पे भी वही है अबाउट पे भी वही है लेकिन अब एक्चुअल में हमारे होम पे को ज्यादा कुछ है भी नहीं होम एंड देन अबाउट बट अब मुझे क्या करना था गाइस एक सेकंड कम जूम कर देता हूँ मुझे ये डेटा चेंज करना है राइट right? तो गाइस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी क्या है वेलकम टू कॉमन पेज अरे कॉमन क्या कर रहा है यहाँ पे वेलकम टू होम पेज सॉरी अबाउट पेज राइट इसको गाइस मैंने की कॉपी इसको मैं हटाता हूँ एज इट इज छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए अभी मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ अबाउट पे चलता हूँ गाइस अब मैं यहाँ पे देखाऊँ अबाउट पेज है मेरा ये यहाँ पे गाइस अब मैं एज अ प्रॉप्स पास करने वाला हूँ एंड वो प्रॉप्स का नाम क्या होगा वो देखिए सबसे पहले तो नेम इक्वल टू आपको गाइस ये प्रॉपर्टी है तो सिंपली एज इट इज पास कर दीजिए ठीक है यहाँ पे स्पेस मत छोड़िए हाँ परफेक्ट ठीक है ऑल राइट यहाँ पर हुआ अब उसके बाद गाइस सिर्फ नेम से काम नहीं होगा हमें जो इमेज है वो भी चेंज करना है राइट तो इमेज का जो सोर्स है गाइस वो हमें यहाँ पे पास करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी कैसे ऑल आइट यहाँ पर ऑलरेडी हमने कर रखा है तो वेब एंड देन वेब कंटोलाइस सेव परफेक्ट ठीक है उसके बाद गाइस हमें क्या करना है हमें एक और प्रॉप्स पास करने वाला डेट इज योर विजिट वो बेसिकली विजिट क्या है गाइस अगर मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ विजिट करवाना है अरे ये मेरा अबाउट है अबाउट वाले को मैं कॉन्टैक्ट पे विजिट करवाना चाहता हूँ ठीक है ऑललाइट कंटोलाइस सेव करता हूँ एंड सिर्फ इतना ही नहीं एक और चीज रह गया है एंड डैट इज बटन का नाम एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नाव ऑल डैट गाइस अब परफेक्टली ये नीचे आ गया जो मैं चाहता था दिस इज इट कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी होम पे चलता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट नाव देखो गाइस ये जो वेलकम टू अबाउट पेज था इसको हटाओ एंड आई थिंक अब वो दिखेगा नहीं यहाँ पे अगेन मुझे लिखना पड़ेगा यू नो सो ग्रो योर बिजनेस योर बिजनेस विथ परफेक्ट यहां पे भी वही भी रखना है यहाँ पे कॉन्टेक्ट के बदलगा इस मैं चाहता हूं कि वो सर्विस वाले पेज पे जाए एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्ट नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूं गेट ठीक है गेट स्टार्टेड इस तरीके से गाइस चलता हूं एंड लिख देता हूं गेट स्टार्टेड कंट्रोल एस ठीक है नाउ अब हम क्या करे? एक प्रॉप्स पास करे प्रॉपर्टी पास करे राइट तो कॉमन पे उस प्रॉपर्टी उस प्रॉप्स को पाने के लिए गाइस वी नीड टू तो राइट प्रॉप्स टॉप पे जी हाँ गाइस एंड ये दिस डॉट मत लिखो क्योंकि क्लास कंपोनेंट नहीं है हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट परफेक्ट इस प्रॉप्स को करो कॉपी uh, यहाँ पे देखो प्रॉप्स डॉट उसका नाम जो भी है आ जाएगा उसी तरीके से कॉन्टैक्ट नाव के बदले अगेन यहाँ पे गाइस आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट एंड देन बी टी नेम आपको लिखना कंट्रोल एस सेव ठीक उसी तरीके से गाइस ये जो सर्विसेज जो है यहाँ पे अगेन आपको ये टू को भी हटाना है क्योंकि हमें कहाँ पे विजिट कराना है उसको यहाँ पे अगेन आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स फिर से सब कुछ आ गया प्रॉप्स डॉट आपको लिखना होगा यहां पे विजिट कंट्रोल है से परफेक्ट एक और चीज रह गया है एंड दैट इज वेब में लिख नहीं सकता आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट वेब वेब नहीं चलेगा यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा आई एम जी एस आर सी क्योंकि मैंने यही प्रॉप्स पास किए हुए थे ठीक है so, सो गाइस ये था मेरा कॉमन पेज दिस इज इट इतना मुझे करना था अब आप देख सकते हो वेलकम टू अबाउट पेज कॉन्टैक्ट नाउ एंड मैं जा चुका हूँ कॉन्टैक्ट पे ठीक है उसी तरीके से अगर मैं होम पे चलता हूँ तो ग्रो योर बिजनेस विद थापा टेक्निकल गेट स्टार्टेड एंड देन मैं आ चुका हूँ सर्विसेज पे तो गाइस आपको कैसा लगा हमने कितनी ईजिली जी हाँ गाइस हमने कितनी ईजिली होम एंड देन अबाउट पेज क्रिएट किया बिना कोड को रिपीट किए जी हाँ गाइस हमने कॉमन पेज क्रिएट किया जिसमें हमने एज ए प्रॉप्स पास करके ये डेटा हम डायनेमिकली पास कर रहे हैं ये एंड देन अबाउट में दोनों चेंज हो रहा है ठीक है ऑल राइट गैस तो हमारा होम एंड देन अबाउट तो कंप्लीट हो गया है लेट्स मूव टू सर्विसेज वाला पेज एंड आई रियली गाइस आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि देखो कितनी ईजिली मतलब अभी तक हमने जो समझा था उसी की बेस पे ही हम सब कुछ करते जा रहे तो गाइस अभी मैं चलता हूँ सर्विसेज वाले पेज पे सर्विस वाले पेज पे ठीक है यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एंड अब सर्विस वाला पेज भी गाइस बहुत सिंपल है आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो गाइस मैं एक यहाँ पे डीप यूज़ करने वाला हूँ परफेक्ट ठीक है इस तरीके से इसको मैं एक नाम दे देता हूँ बेसिकली uh, नाम यही है कि मेरे को ऊपर और नीचे से पूरा गैप चाहिए तो मार्जिन दे दिया मैंने यहाँ पे मैं चलता हूँ एक H1 ले लेता हूँ सिंपली परफेक्ट ठीक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवर सर्विसेज आवर सर्विसेज परफेक्ट कंट्रोल ऐसे कर तो इतना औसम awesome दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैश इसको मैं जाना है क्लास नेम यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैक्स सेंटर कंटेंट नहीं टैक्स सेंट एक सेकेंड सजेशन नहीं आया कोई बात नहीं टैक्स सेंटर इतना मेरा काम हो गया कैश अगेन एक सेकेंड इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नाउ कंटेनर फ्लूड एंड अब मुझे गाइस ये नैप बीजी नहीं चाहिए एक सेकेंड ये नैप बीजी आई थिंक गाइस मैंने होम पे भी नैप बीजी यूज़ कर रखा है कॉमन वाले पे नेप बीजी यूज़ हुआ है कि नहीं ठीक है ऑल गाइस ये जो नैप बीजी है ये हमें नहीं चाहिए था कंट्रोल एस सेव करते हैं ऑल ठीक है right, सब परफेक्ट है इतना हो गया है सर्विसेज uh, पे चलता हूँ वापस से सर्विस कंट्रोलिया सेव कर दिया गया मैंने सिंपली रो यहाँ पे गया इसमें मार्जिन बॉटम एकदम नीचे मुझे स्पेस चाहिए फिलहाल के लिए तो मैं मार्जिन बॉटम फाइव इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ना आऊँ अब यहाँ पे देखो इस मुझे क्या करना है ठीक है कॉलम टेन एम एक्स ऑटो तो मैंने लिख दिया है लेकिन मैं अब यहाँ पर चलता हूँ सिंपली इस तरीके से मैं इसको हटाता हूँ ऑल इसको मैंने किया क्लोज ठीक है ना अब मुझे यहाँ पर चलना है सिंपली ठीक है यहाँ पे मैं जाना है क्लास नेम में लिख देता हूँ रो इस तरीके से अब अब आपको मालूम है मुझे कार्ड यूज़ करना है तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे मैं चलूंगा एक और डिप यूज़ करूंगा आई नो इस बहुत ज़्यादा डिप हो रहा बट क्या कर सकते हैं अब डिप लेना ही पड़ेगा ठीक है कॉल हाइफन एंड देन एम डी फोर जी हाँ गाइस मैंने आपको बोला ना मीडियम में आप जो भी लिख देते हो ना वो सब आपका सेट हो जाता है एंड देन मोबाइल में दस का स्पेस ले लेगा एंड देन अगेन वही एम एक्स ऑटो परफेक्ट कंट्रोल से बस अब गाइस आपको इतना ही लिखना था अभी बुस्टैप पर आपको चलना है कार्ड पे आपको चलना है जो सबसे पहले दिखता है इसको करो कॉपी एंड देन ठीक इसके नीचे का आपको आना है पेश कर देना दिस इज इट कंट्रोल एस सेव अगेन एरर इमेज परफेक्टली इमेज को सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाओ ऑल राइट परफेक्ट इतना ही था अब मैं यहाँ पे चलता तो कैसे अब आप देख सकते हो स्टाइल 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 कहाँ है और अगर कैसे ये जो स्टाइल दिखता है ये हमें नहीं चाहिए तो इसको अब मारो गोली कंट्रोल सिर्फ ऑल राइट परफेक्ट देखो कितना औसम हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक एम डी फोर बोला है मतलब बारह होते टोटल कॉलम मैंने चार यूज़ किया है तो चार 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 में टोटल और तीन कर सकता था तो देखो कैसे अगर हम बुस्टैप करते तो ऑब्वियसली हम यही करते थे जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये वाला डिप कहाँ हो रहा है यहाँ पे ठीक है एंड आपको पता एक दो तीन चार पाँच छ आई थिंक छः या सात कितना हो गया ये ऑलराइट right, जी हाँ गाइस एक एक्स्ट्रा हो गया मैं यहाँ पे चलता हूँ आई थिंक ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए तो गाइस अब आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ छे आ, कार्ड कंपोनेंट आई मीन फिलहाल कंपोनेंट तो अभी ये नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये टोटल छ कार्ड को पाने के लिए देखो गाइस सेम पीस ऑफ कोड को मुझे कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा एंड बुस्टाइप में हम यही करते थे जी हाँ गाइस लेकिन इसको कैसे शॉर्ट करना मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहले तो ये कि ये जो सोर्स दिखता है आपको ठीक है इसको डिटो करो कॉपी 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 ऑलराइट ठीक है यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव इसको हटाओ इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल के लिए आप वेब लिख दो क्योंकि मैं आपको एक इमेज यहाँ पे टॉप से दिखाने वाला हूँ जी हाँ गाइस आपको एक इमेज में टॉप से यहाँ पे एक्सेस करके दिखाता हूँ सेम उसी तरीके से हाँ जैसे मैंने पहले किया था देखो यहाँ पे वेब लिख देता हूँ फ्रॉम सिंपल अब अगेन देखो डॉट डॉट हाइफन आपको जाना है सोर्स पे हाइफन आपको जाना है इमेजेस पे ठीक है हाइफन गाइस अब आपको जाना होगा एस वन जी हाँ गाइस एस वन डॉट जे पी जी कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब आप देखोगे हर जगह मुझे वो मिल रहा है लेकिन गाइस आपको मालूम है मैंने अपने बुस्ट्राइफाई में बताया था कि एक नया एट्रीब्यूट ऐड एट किया आई I मीन mean उन्होंने एक न्यू क्लास की प्रॉपर्टी ऐड की है डैट इज योर गटर जी हाँ गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे दो कार्ड के बीच में हॉरिजॉन्टली गैप मिल रहा है बट वर्टिकली कोई गैप नहीं है जी हाँ गाइस अब उस वर्टिकली गैप को पाने के लिए आप क्या करते हैं मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप करते हुए आपका दिमाग खराब हो जाता है उसमें राइट लेकिन अब हम क्या कर सकते देखिए ऑफ मार्जिन टॉप आपका ये जो रो है जो सबसे नीचे रो है यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है गटर वाई एंड देन आप वन टू थ्री फोर कितनी भी वैल्यू दे सकते हो लेट्स गो विध फोर कंटेला सेव करता हूं एंड बूम गाइस आप देख सकते हो इनके बीच में परफेक्टली गैप अब होरिजोनटली भी वर्टिकली भी एकदम परफेक्ट गैप आ चुका है सो गाइस यही है गटर यू नो गाइस बहुत हल्ला चल रहा था एक गटर आया है गटर प्रॉपर्टी एड हुई है क्लास की जो भी है बट गाइस सिंपल इतना ही है गटर बेसिकली होर करना होता तो जी एक्स आप करते लेकिन फिलहाल अभी हमें सिर्फ वर्टिकली देखना था तो हमने ये कर दिया जो कि परफेक्ट है ठीक है अभी भी ये आवर सर्विस सेंटर पे नहीं है ऑल आइट टैप सेंटर नहीं टेक्स्ट सेंटर हमें करना था परफेक्ट एकदम सेंटर पे आ चुका है नाउ अब ये जो पार्ट है गाइस ये हम बार बार सेम पीस ऑफ कोड को इतने बार नहीं लिखना चाहते सो व्हाट वी विल डू हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दैट इज आवर कार्ड डॉट जे एस एक्स ठीक है ऑल आइट परफेक्ट तो अभी मैं क्या करता हूँ डिटो सर्विसेज को करता हूँ कॉपी यहाँ पे चिपका देता हूँ इंस्टीड ऑफ इतनी बार ये जो यूज हो रहा है एक सेकेंड ये जो मेरा डीप है यहाँ पे ठीक है यहाँ से चलता हूँ यहाँ तक इसको मैंने कर दिया डिलीट नाउ परफेक्ट कंट्रोल एज सेप तो गैस अभी आप देखोगे कि कुछ होने वाला नहीं है ठीक है एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ गाइस अब देखो एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसको मुझे अब यहाँ पर नहीं चाहिए एज इट इज इसको मैं रख देता हूँ तो अब भी मुझे इस कंपोनेंट को कॉल करना है जी हाँ गाइस ये जो सर्विसेज मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मुझे हटा के लिखना पड़ेगा कार्ड एंड यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे मुझे सर्विसेज ही लिखना है ठीक है परफेक्ट देखो अब ये जो सर्विसेज में गाइस ठीक ठीक इसके नीचे तो सिंपली गाइस ये जो मेरा पार्ट है रोज जहाँ पे मैंने गटर वाई यूज़ किया हुआ है प्रॉपर ये क्लास प्रॉपर्टी इस डिप को देखो कहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे इसको हटाओ वापस एकदम नीचे आई थिंक ये यहाँ तक है इसको ऑल राइट गाइस ये यहाँ तक था ठीक है तो प्रॉपरली देखो कि नहीं कुछ तो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है एंड आई थिंक अब प्रॉपर ऑल एट गैस आई थिंक एक एक्स्ट्रा हो रखा था कंट्रोलाइज सेव करते नाउ इट्स परफेक्ट ठीक है अब ठीक इसके नीचे आपको आना है उस कार्ड कॉम्पोनेंट को यहाँ पे आपको कॉल करना है सो सी कैपिटल कार्ड एंड जैसे आप क्लोज करोगे तो लेट्स सी ऊपर हुआ कि नहीं ऑल एट गैस परफेक्टली ऊपर भी इंपोर्ट हो चुका है ठीक है इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो गाइस यहाँ पे बता रहा वेब इज नॉट डिफाइंड जी हाँ गाइस ये बोल रहा है कि वेब जो है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है राइट right? मैं आपको बताता हूँ किस लिए क्योंकि गैस वो हमने यहाँ पे लिखा है हालांकि मैं यहाँ से उसको एज अ प्रॉप्स भी पास कर सकता था लेकिन अब भी फिलहाल उतना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा सिंपली यहाँ पे पास कर देता हूँ अब देखो गैस हमें वो छः के छः बार ऑल राइट आवर सर्विसेज एंड आवर सर्विसेज दिस इज इट ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एड किया हुआ है राइट right? इतना पार्ट जो है ये जो आप देख पा रहे हो रो गटर फोर्ड जो है ये प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी हमारे सर्विसेज के पेज में है तो हम क्यों इसको ऐड करें राइट इसको हटाओ ये जहाँ तक है यहाँ तक है एंड ये पूरा का पूरा यहाँ तक अब इसको हटाओ कंट्रोल एस सेव करो एंड अभी भी एक प्रॉब्लम है डेट इज़ आई थिंक ये वाला एक एक्स्ट्रा डिप अभी भी रह चुका है कंट्रोल एस सेव परफेक्ट ऑर्डर गाइस अब आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली दिखाई दे रहा है ठीक है अब मुझे आप ये बताओ कि अब आप इसको छः बार कैसे दिखाओगे जी हाँ गाइस अब आप इसको छः बार कैसे दिखाओगे तो दिखाने के बहुत तरीके हैं राइट right? सबसे बेस्ट तरीका ये है लेट्स एज्यूम की गाइस हमने एक ए यूज़ किया राइट right? एंड वहां से आप इसको फेच कर रहे हो एल्स आप ये भी कह सकते हो कि आपने अपने डेटा बेस पे ऑलरेडी जितने भी आपके आ, ये जो कार्ड्स है राइट right? इनकी जो भी लेट्स एज्यूम कार्ड का टाइटल कार्ड का टेक्स्ट इसका अगेन सबसे पहले तो ये जो एंकर टैग दिखता गया इसको देखते ही हटा दिया करो ठीक है एच रे के बदले टू कर दिया करो ठीक है इसको फिलहाल जो है एज इट इज रहने दो फिलहाल अभी कुछ मत करो बस यहां से इसको हटा के नैब लिंक परफेक्ट एंड आई होप ऊपर हो चुका है राइट जी हाँ ऊपर इम्पोर्ट परफेक्टली हो गया तो गैस वही ए आप समझ सकते हो नहीं तो आप डेटा से डेटा आ रहा आप इस तरीके से समझ सकते हो मैंने एज अ जेसन की तरह बनाने की कोशिश किया और हमने एक फाइल क्रिएट किया ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव अ एस डेटा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गैस जितने भी मेरे इमेजेस है उन सबको मैंने इम्पोर्ट कर रखा है तो सिंपली आप देख सकते हो वी हैव एन एरे जी हाँ गैस एरे ऑफ एन एलिमेंट आई मीन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्योंकि एरे है बट देन उसका जो एलिमेंट है वो पहला इंडेक्स नंबर पे वी हैव अ आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट इज ऑब्जेक्ट तो उसी तरीके से गए जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स आई मीन कार्ड्स चाहिए तो सिंपली आप देख सकते हो उतना मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एक दो तीन आप खाली उनका टाइटल इमेज सोर्स जो भी आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ गाइस इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ठीक है हमारे सोर्स पे मैं चलता हूँ न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एस मतलब सर्विस का जो डेटा है डॉट जे एस एक्स सिंपल एंड मैं बताना चाहूंगा गाय ये जो पार्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना मैंने ऑलरेडी आपको याद है मैंने जब ये रिएक्ट नेटफ्लिक्स ऐप क्रिएट किया था वहां पे भी सेम यही डिटो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था आप ये इसको और बेटर रेफरेंस के लिए अब गाइस आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए जहां मैंने नेटफ्लिक्स का ऐप जो भी यू you नो know, हमारा जितने भी uh, सीरीज है उनका मैंने कंप्लीट आपको दिखाया था इस, इसको भी जरूर एक बार चेक कीजिएगा तो ये जो कुछ आपको मैंने बताया तो वही अब मैं इस वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता तो हूँ देखो गए सिंपल इतना कुछ नहीं है सिंपल एरे क्रिएट किया एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो सिंपली जितने भी आपको डेटा चाहिए खाली यहाँ पे बस आपको उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एक एक ऐड करते जाना ठीक है इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ ऑलराइट गाइस ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे एस डेटा को मैं हटा देता हूँ right, ये मेरा कार्ड है ठीक है तो देखो आप मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ सर्विसेज वाले पे एज इट इज रखता हूँ ये जो मेरा एस डेटा है यहाँ पे मैं चलता हूँ इंपोर्ट ठीक है मुझे उसको करना पड़ेगा इम्पोर्ट एस डेटा फ्रॉम यू नो डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आप देखोगे एस डेटा परफेक्ट ठीक है अब ये जो मेरा एस डेटा गाइस वो क्या है जी हाँ वो एक एरे है राइट तो एरे की जितने भी डेटा है अगर उसको आपको वन बाय वन दिखाना हो तो गाइस रिएक्ट में नाइनटी नाइन परसेंट टाइम हम मैप मेथड का यूज करते हो राइट right? तो वो कैसे यूज करना देखो मैं आपको बता दूं तो सिंपली मैं चलता हूँ सर्विसेज पे एस डेटा आ चुका है अब ये जो कार्ड है इसको रहने दीजिए थोड़ा सा जुम कर देता हूं आप लोगों के लिए गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है क्योंकि इसी के ऊपर ही हमारा सारा खेल है सबसे पहले तो गायको कली बेसिस यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखने जा रहे हो राइट right? सिंपल तो सबसे पहले गाइस एस डेटा डॉट मैप मैथ परफेक्ट इसमें गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहा हूं तो आपको क्या करना गाइस ठीक इसी के अंदर आप देख सकते हो वी हैव अ वैल्यू तो जो करेंट वैल्यू होगा वो उसके बाद गाइस वी हैव अ इंडेक्स नंबर जो करेंट वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो एंड देन हम किस एरे में काम कर रहे हैं तीसरा पैरामीटर वो रहता है हमारा एंड देन लास्ट में वी हैव है दिस गाइस उसका फिलहाल कोई काम नहीं है अभी हमें तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ मैं लिख देता हूँ वेल well, जो इन्होंने बोला था वेल well लो तो ठीक है वेल well ले लेते हैं एंड देन गाइस यहाँ पे वी हैव अ इंडेक्स नंबर ठीक है ठीक इस जगह पर आपको जाना है फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे ना इस तरीके से सिंपल ठीक है ना वी नीड टू रिटर्न अब मुझे रिटर्न करना है वन बाय वन उस कार्ड कंपोनेंट को सो so, इस तरीके से मैं लिखता हूँ एक सेकेंड सी कैपिटल कार्ड कंपोनेंट को ठीक है परफेक्ट नाउ अब मुझे यहाँ पे एज अ प्रॉप्स वो सभी जो भी डेटा है एरे का उसको पास करना है तो देखो कैसे सबसे पहले जो इमेज का सोर्स होगा जी हाँ गाइस हमारा इमेज का जो सोर्स है वो होगा वेल डॉट अब आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे ठीक है उसके बाद गाइस फिलहाल तो मैंने दो ही यूज़ कर रखा है दैट इज योर इमेज सोर्स एंड देन टाइटल तो सिंपली यहाँ पे टाइटल पे चलता हूँ एंड नाउ अब आप देख सकते हो वेल डॉट लिखते ही वी हैव अ टाइटल ठीक है आप जितना भी चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो लाइक like मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्ड टाइटल और ये जो दिख रहा है उसको यूज़ किया एंड गाइस अब आप देख सकते हो मैंने सिर्फ इतना लिखा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी आ गया जी हाँ गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक छः के छः आ गए तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जहाँ पहले हमने सेम पीस ऑफ कोड को छः बार कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मैप मैथड हमने उसको कॉल किया एंड जब भी आप मैप मेथड का यूज़ करते हो गाइस वो बोलता है कि की एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि ये एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है ठीक है कंसोल uh, पे गैस मैं आपको लेके जाना चाहूँगा क्योंकि एरर आ चुका होगा एंड दैट एरर इज अब आप देख सकते हो मैप देखो इनवैलिड क्लास नेम चलो वो देखते हैं अभी एंड अब आप, आप देख सकते हो कि जब भी आप मैप मेथड का यूज़ करते हो ना उसको एक यूनिक की प्रॉपर्टी देना जरूरी है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर चलता हूँ गाइस ये जो आपका की है इक्वल टू गाइस अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसी को ही चिपका देता हूँ डैट इज योर इंडेक्स कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी अब वो हमें एरर मिलता है या नहीं ठीक है कंसूल पे मैं चलता हूँ एंड परफेक्टली गाइस वो गायब हो चुका लेकिन फिर भी हमें ये बता रहा है डैट इज क्लास नेम यूज कर ना कि क्लास तो हमने क्लास कहाँ यूज़ किया है फिर आई थिंक कार्ड कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास 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 ठीक है पे class, 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 यहाँ पे गाइस आपको जाना है एंड देन आपको लिख देना है क्लास नेम कंट्रोल एस सेव अब आई थिंक गाइस वो एरर भी जा चुका होगा ठीक है तो ऑल एर ग एरर जा चुका है ये आप इसका बिल्कुल ध्यान मत दो तो इस तरीके से गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा एंड डैट इज कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस ना तो इमेज चेंज हुआ है ना ही उनका टाइटल चेंज हुआ है जी हाँ गाइस ना तो इमेज चेंज हुआ है ना ही उनका टाइटल चेंज हुआ है तो होगा भी कैसे राइट वो होगा भी कैसे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस इसको आपको करना है फॉन्ट वेट बोल्ड परफेक्ट नाम अब भी मैंने सर्विसेज से क्या पास किया गाइस दो प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ डैट इज इमेज सोर्स एंड देन टाइटल ठीक है तो कार्ड पे आपको आना है सेम वही आपको प्रॉप्स यूज करना है परफेक्ट इसको करो कॉपी सबसे पहले तो आपका सोर्स का है यहाँ पे ये वेब क्यों लिख रहे हैं हम ठीक है वेब नहीं चाहिए गाइस यहाँ पे मुझे लिखना है प्रॉप्स डॉट आपको अब आई एम जी लिखना है क्या लिखना है आपको डॉट आई एम जी एंड देन एस आर सी इमेज सोर्स ठीक है उसी तरीके से क्या है अल्ट पे आप जरूर कुछ ना कुछ लिखे एल्स नहीं होगा ये अल्ट पे भी आप यही चिपका दीजिए डिट्टो इसका जो पाथ होगा बेसिकली ऑल राइट इसको मैं करता हूँ कॉपी इस तरीके से तो मैं लिख नहीं सकता तो इसके अंदर चिपका देता हूँ ठीक है परफेक्ट कार्ड बॉडी है गाइस ये जो कार्ड टाइटल आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको हटाओ अगेन वही आपको करना है डेट इज कि यहाँ पे भी आपको जाना है टू राइट प्रॉप्स डॉट एंड देन आपको लिखना पड़ेगा टाइटल क्योंकि आप टाइटल पास करें वहाँ पे कंट्रोल एसिड दिस इज इट एंड गाइस अब आप एक सेकेंड प्रॉप्स की स्पेलिंग क्या है गाइस ऑल अर गाइस आप देख सकते हो कि बता रहा प्रॉप्स की स्पेलिंग ही रॉन्ग है पी आर ओ पी एस होता है आप प्रॉप्स प्रॉप्स एंड यहाँ तो परफेक्ट है एंड ऑल लाइट गाइस अभी भी एक प्रॉब्लम है प्रॉप्स कहाँ पर पी आर ओ पी एस पी आर ओ पी एस पी आर ओ पी एस इस तरीके से एंड थ्री टू वन एंड बुम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटिफुल ये हंड्रेड परसेंट पे ये देखिए गाइस हमारा होम पेज एकदम परफेक्ट हमारा सर्विस पेज एकदम परफेक्ट गाइस अब आप देख सकते हो सबके इमेजेस चेंज हो चुके हैं सबके कंटेंट चेंज हो चुका है एंड देन हमारा अबाउट पेज अब आप देख एक सेकेंड होम पेज अबाउट पेज गाइस इमेज अभी भी सेम है तो हम क्या करेंगे गाइस uh, मैं चलता हूँ अबाउट पेज पे ठीक है क्योंकि हमने जस्ट नोटिस किया कि अबाउट पेज पे इमेज सेम है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव हीरो हीरोन आई एम जी डॉट या डॉट पी एन जी कंट्रोलाइ सेव करता हूँ सो थ्री टू वन एंड बुम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल बहुत ही ऑसम हमें अब ये दिखाई दे रहा है right? राइट तो गाइस इतना हमारा काम हो चुका है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सर्विसेस एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा होम पेज एकदम परफेक्ट हो चुका है अबाउट पेज परफेक्ट हो चुका है ना वी हैव लेफ्ट विद द कॉन्टेक्ट पेज ऑल आट गैस तो फाइनली अब हम कॉन्टेक्ट पेज पर आ चुके हैं तो अभी देखो कॉन्टेक्ट पेज पे चलते हैं एक सेकेंड अब एक काम करते हैं अबाउट हो चुका है राइट right कॉमन हो चुका है सर्विसेज हो चुका है कार्ड हो चुका है एस डेटा हो चुका है तो उनको हटा देते हैं यू नो उसको रखना नहीं है कॉन्टैक्ट पे मैं चलता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे आना है एंड सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको जूम कर देता हूँ आपको इस तरीके से गाइस ये पैरेंथिस के अंदर लिखना रहता है ठीक है अभी देखो कैसे आपको क्या करना है सिंपली पहले तो एक डिप ले लीजिए ताकि हमें पता चले कि हम ये कौन से डिप पे राइट यहाँ पे मार्जिन ऊपर नीचे से हर जगह से पाँच दे देता हूँ एक एच वन यूज कर लेते हैं ठीक है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट आप चाहे तो उसको ऑल स्टाइल कर सकते थे एस कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ तो कैसे आप देखोगे एस दिखाई दे रहा है परफेक्ट यहाँ पे भी मैं एक और क्लास नेम लेना चाहूँगा एंड दैट इज टैक्स सेंटर तो टैक्स सेंटर हो गया है ये ऑल राइट टैक्स सेंटर क्यों नहीं हुआ ट परफेक्टली टेक्स्ट सेंटर हो चुका है ठीक है ना होगा इस अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ही ईजी भी कहना चाहूंगा मैं डैट इज ठीक इसके नीचे में आता हूँ ठीक है एक सेकेंड ये क्लोज नहीं हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो क्लास नेम में मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे गाइस अगेन इस बार मैं कंटेनर फ्लूड नहीं सिंपली कंटेनर लूंगा जी हाँ सिर्फ कंटेनर में ले रहा हूँ एंड यहाँ पे गई इसमें एक क्लास uh, ऐड करने वाला डैट इज कॉन्टैक्ट अंडर स्कोर डिप जी हाँ गाइस कॉन्टैक्ट डिप में ले रहा हूँ ठीक इसके नीचे अगर मैं कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना है क्लास नेम में मैं चलता हूँ सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा रो जी हाँ गाइस सिंपली मेरे को लेना है रो ताकि वो कॉन्टेक्ट को मैं परफेक्टली एकदम सेंड पर रख सकूँ और उसको रेस्पॉन्सिव बना सकूँ राइट तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सिंपली क्लास नेम चलता हूँ ना मैं क्या करूंगा गाइस उनको टोटल 12 डिप होते हैं आई मीन 12 कॉलम होते हैं इंस्टेड ऑफ 12 गाइस मैं 6 दूंगा एंड मोबाइल में मैं चाहूंगा कि वो कंप्लीट दस स्पेस ले ले दस कॉलम ले ले लेकिन हमेशा वो सेंटर पे दिखाई दे एम एक्स ऑटो परफेक्ट ठीक है कंट्रोल से भी इतना काम हो चुका है अब आपको क्या करना है गाइस वी नीड टू तो यूज़ द फॉर्म टैग जी हाँ गाइस अब मुझे ये फॉर्म टैग का यूज़ करना है एंड ऑलरेडी गाइस हम बूस्टर फाइव जब यूज़ कर ही रहे तो मैं चलता हूँ बूस्टर फाइव के फॉर्म पे लेट्स सी ओवर वी पे क्या दिखता है हमें ओवर वी पे ये जो दिख रहा है गाइस ये मुझे नीचे फॉर्म कंट्रोल ऑलरेडी परफेक्ट दिख रहा है इसको करो कॉपी एंड देन पेस्ट ऑल राइट right, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ये अगेन गाइस आप देख सकते हो कि हमें ये हल्का सा वार्निंग टाइप कह सकते हो बिकॉज इनपुट कभी क्लोज तो होते नहीं खुद से तो हमें ही करना पड़ेगा तो इनपुट यहाँ पे क्लोज़ किया ऑल राइट right, हो गया क्या ठीक है जी हाँ गाइस परफेक्टली ठीक हो चुका है आप देख सकते हो बहुत क्लियरली एंड अब अगर मैं चलता हूँ तो बहुत ऑसम awesome दिख रहा है मैं राइट एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस अभी आपका ये जो ई है जी हाँ ये आपका जो ई है इसको करो पेस्ट पेस्ट आई थिंक परफेक्ट जी हाँ इतनी बार पेश करना था तो इंस्टेड ऑफ ई मेल फुल ने आ, एंटर योर नेम हम लिख सकते हैं लेट्स गो विथ फुल नेम जी हाँ गाइस फुल नेम लिख देते हैं आप कुछ भी लिख सकते थे ऐसा कुछ नहीं एंड ये जो आई डी दो जो दे रखा है गाइस अभी फिलहाल इसके हमें कोई जॉट नहीं टाइप पे वी नीड टू राइट टेक्स्ट एंड नेम प्लेस होल्डर पर गाइस आप लिख दीजिए एंटर योर नेम ठीक है सिंपल ऑल राइट परफेक्ट नेम की स्पेलिंग परफेक्टली लिखो इतना हो चुका है सेकेंड ई मेल है ठीक है परफेक्ट है थर्ड वाले गाइस एक सेकंड सेकंड पर ई मेल नहीं चाहिए सेकंड पे हमें चाहिए फोन नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट सो फोन लिख देता हूँ मैं सिंपली कंट्रोल एस सेव इसी फ़ोन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे गाइस लिख देते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे ताकि लोगों को पता चल जाए मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है यहाँ पे एंड इंस्टेड ऑफ टाइप लेट्स गो विथ नंबर क्योंकि अब हम नंबर यूज़ कर सकते हैं राइट ऑल राइट ये जो फॉर है न इसकी हमें कोई नीड तो है नहीं अब ई एकदम परफेक्ट ई का कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ये एक्जाम्पल टेक्स्ट एरिया के बदले गाइस विल गो विथ मैसेज एंड uh, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं देते ठीक है एज इट इज़ छोड़ता हूँ मैं इतना काम हमारा हो चुका तो कैसे बहुत ऑसम दिख रहा है ना आपको वापस यहीं पर ही जाना है वैलिडेशन पर चलते हैं एग्री एंड सबमिट कैसे वो एग्री वाला मुझे नहीं चाहिए ठीक है मैं खाली ये सबमिट वाले को कॉपी कर रहा हूँ सिंपली यहाँ से ऐसे डीप पे चलता हूँ यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ एस से हालाँकि अब आप डीप को भी यू नो मतलब ये जो डीप हम यूज़ कर रहे हैं इसको भी आप अलग से एक सेपरेट कंपोनेंट में क्रिएट करके इसका भी प्रॉप्स पास करके यूज़ कर सकते हो लेकिन गाइस मैं इसको सिंपल रखने वाला हूँ एंड ये आपके लिए एज अ चैलेंज है कि आप खुद से एक बार ट्राई करो क्या आप वो कर सकते हो कि नहीं राइट लेकिन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ गाइस ये एज इट इज़ भी एकदम परफेक्ट है एंड गाइस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि मैं जो ये फॉर्म सबमिशन के ऊपर बना रहा हूँ ना अभी वीडियो ये मैंने ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर चुका अगर आपको इनकेस कुछ भी डाउट हो छोटा मोटा भी तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा जो प्ले लिस्ट में फ्रॉम थर्टी थ्री थर्टी थ्री जी हाँ गैस फ्रॉम थर्टी थ्री से लेके ग आप आपको बताऊँ फोर्टी वन तक गाइस मेरे ये पूरे फॉर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है ऑल राइड इतना परफेक्ट हो चुका है लेट्स ये कैसा दिख रहा है ऑल राइट right, हमारा जो है पेज परफेक्ट एकदम ऑसम लेकिन ये जो इनपुट बटन है एक सेकेंड वो जो आ रहा है बार बार उसको हटा देते हैं यहाँ पे मैं एकदम नीचे चलता हूँ ये जो बीटीएन प्राइमरी जो दिख रहा है ना गाइस इसको हम इस तरीके से बीटीएन एक सेकेंड में अगर यहाँ पे चलता हूँ अब हमें वो दिखाई देगा जी हाँ तो बी टी एन आउटलाइन एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी लेट्स को भी सेकेंडरी कैसे दिखता है नहीं, सेकेंडरी नीचे अब यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ प्राइमरी इस तरीके से प्राइमरी कंट्रोल एस तो गाइस अब से परफेक्ट दिखाई दे रहा है ठीक है अब भी देखो मैंने आपको क्या बताया कि गाइस रिएक्ट जी का काम तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन फिर भी बैकएंड में डेटा भेजना जरूरी है यूजर ने क्या टाइप किया उसको एक्सेस करना जरूरी है एंड वो होता है स्टेट के अंदर एंड रिएक्ट में हम वो नहीं कर सकते थे एटलीस्ट नॉट इन फंक्शनल कंपोनेंट बट आफ्टर हुक्स गाइस ऑफ क्लास कंपोनेंट सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव कर चुके हैं एंड दैट इज द रीजन गाइस मैंने अभी तक आपको क्लास कंपोनेंट के ऊपर वीडियो बना के नहीं बताया क्योंकि आजकल हर कोई फंक्शनल कंपोनेंट पे ही मूव कर रहा है इसलिए डायरेक्टली फंक्शनल कंपोनेंट को आप एकदम बेटर कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा राइट तो देखो यूजर क्या टाइप कर रहा है मुझे उसको एक्सेस करना है बस मुझे कुछ नीचे मुझे उसको एक्सेस करना है यूजर जो भी लिखे मुझे उसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो गाइस ये जितने भी आपके प्लेस होल्डर दिख रहे हैं कॉपी 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 कर लो ठीक है आई थिंक ठीक है परफेक्टली नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेस होल्डर ठीक इसके ऊपर आपको जाना है नेम एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव मी नेम एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके नीचे आपको आना है देन वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट मैं अब भी आपको बता दूंगा उसमें आपको क्या लिखना है एंड देन आपको मालूम है कि गाइस रिएक्ट में जब भी कोई भी कुछ लिखे तो ये एक इवेंट है जो कॉल होना ही होना है दिस इज इट और इवेंट सेम रहेगा तो मैं इनपुट इवेंट uh, लिख देता हूँ इस तरीके से ठीक है इनपुट इवेंट परफेक्ट कंट्रोल एस से परफेक्ट ठीक है ये तीनों के तीनों को मुझे करना है कॉपी डिटो मुझे यहाँ पे भी चिपकाना है परफेक्ट गैस इतना मेरा काम हो चुका है अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है इतना ठीक है सो गैस अभी जितने भी हमारे जो नेम एट्रीब्यूट है मुझे इसको फिल करना है तो सबसे पहले मेरा क्या गया इस वी अ फुल नेम राइट तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से फुल नेम सिंपल कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे ये क्या गया इस मेरा फोन नंबर है ठीक है तो मैं लिख देता हूँ फोन ये है मेरा गाइस ई मेल तो इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट इज़ मस्ट कुछ होना होगा इस आपका नेम एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी ठीक है दिस इज इट इतना काम कंप्लीट हो चुका है एंड जब भी फॉर्म को कोई करता है सबमिट तो ऑन सबमिट करके एक फंक्शन है कैसे वो कॉल होता है ठीक है तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपली हम यहाँ पे एक फॉर्म को कॉल करने वाले मतलब एक इवेंट को कॉल करने वाला डैट इज योर फॉर्म तो फॉर्म सबमिट ठीक है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ ठीक है सबसे पहले तो कैसे जो फॉर्म सबमिट है उसको मैं यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ तो सिंपली गाइस में लिख देता हूँ इस तरीके से मैं चलता हूँ दिस इज इट एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस अभी एज इट इज इसको मैं छोड़ता हूं अभी भी आप देख सकते हो गाइस वैल्यू पे हमें एरर आ रहा है ठीक है तो उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं देखो क्योंकि हमने यहाँ पे उसको नल छोड़ा हुआ है अभी यूजर जो भी लिख रहा है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे ऑब्वियसली स्टेट का यूज करना पड़ेगा एंड जैसी बात आती है स्टेट की गाइस अब हम यूज करने वाले फाइनली यूज स्टेट यू नो तो देखो कॉन्स्ट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैं चलता हूँ मैं सबसे पहले लिखता हूँ में हमारा पहला जो करेंट डेटा रहेगा डेट इज डेटा ही मैं लिख देता हूँ उसके बाद गाइस आपका जो फंक्शन रहेगा अपडेटेड डेटा उसको मैं सेट डेटा लिख देता हूँ इक्वल टू गाइस आप मुझे यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट एंड दी मोमेंट में ये यूज स्टेट लिखूंगा गाइस आप देखोगे ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो चुका है हाँ. आपको उसको ऊपर इम्पोर्ट करना बहुत जरूरी है सो so, गाइस ये जो यूज स्टेट दिखाई दे रहा है मैं सभी के सभी डेटा को इसी के अंदर ही एड करना चाहूंगा राइट right? तो दट इज द रीजन वेगा इस मैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूँ अब देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फुल नेम इक्वल टू कॉल एन एज इट इज छोड़ने वाला हूँ ठीक है प्रॉपर्टी है बेसिकली सेम उसी तरीके से यहाँ पे फोन के लिए मैं चलता हूँ इस तरीके से परफेक्ट कॉमा य यहाँ पे मैं चलता हूँ ई ठीक है इस तरीके से ईल परफेक्ट इसको एज इज छोड़ा मैंने एंड लास्ट में वी हैव अ मैसेज एंड दिस इज इट गाइस तो कंट्रोल एस सेप में करता हूँ हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है नाउ यूजर जो भी लिखेगा गाइस फुल नेम में मैं फुल नेम को स्टोर कर दूंगा यूजर जो भी फ़ोन में लिखेगा मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा ईमेल के लिए ये मेरा मैसेज के लिए ये नाव मुझे अगर इसको एक्सेस करना हो तो डेटा डॉट फुल नेम तो डेटा अब मुझे देखो यहाँ पे क्या लिखना है डेटा डॉट फुल नेम ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस डेटा uh, डॉट मुझे लिखना पड़ेगा फोन यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा गैस सिंपली डेटा डॉट ई ठीक है एंड लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट मैसेज परफेक्ट दिस इज इट अब वो एरर जा चुका है गाइस परफेक्टली ठीक है अब एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वी हैव अ स्टेट जी हाँ गाइस फाइनली वी हैव अ स्टेट अब आप देख सकते हो वी हैव अ ईमेल फुल नेम जूम कर देते हैं देखो वी हैव अ फुल नेम फोन ई मेल एंड देन मैसेज एंड आप देख सकते फॉर्म एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है ठीक है तो गाइस देखो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो मैं क्या करता हूँ देखो गाइस डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको टॉप पे चलता हूँ अब देखो यूज़र जो भी लिख रहा है उसको मुझे एक्सेस करना है एंड यूजर जब जब लिखेगा एक इवेंट कॉल होना ही होना है एंड दैट इज़ योर ऑन चेंज इवेंट ठीक है तो इस इनपुट इवेंट को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे आई मीन डिफाइन कर रहा हूँ कॉल नहीं ठीक है कॉल तो मैं नीचे ही कर रहा हूँ उसको इस तरीके से मैं जाता हूँ फैट एरो फंक्शन पे अब इनपुट इवेंट पे गए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिलता है हमें तो विद दी हेल्प ऑफ इवेंट अब यूजर जो भी लिख रहा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ राइट तो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास सारे डेटा है एंड नाव इसमें कॉन्स्ट लिख रहा हूँ सिंपली यहाँ पे ठीक है कॉन्स्ट अब मैं देखोगा इसमें क्या करने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करने वाला हूँ डैट इज नेम ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है आई I मीन mean हमारे फॉर्म पे जितने भी नेम है एंड देन जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट है नेम एंड देन वैल्यू एट्रीब्यूट को पाने के लिए इवेंट डॉट टारगेट इस तरीके से एस सेव कर देता हूँ परफेक्ट देखो बहुत औसम हमें मिल चुका है ठीक है एस सेव करता हूँ नाव ये जो सेट डेटा है इसमें गाइस यूज स्टेट के पास जो भी डेटा होता है वो सब इसको मतलब ऑलरेडी इसके पास भी रहता है वो तो मुझे किसी तरीके से आफ्टर मतलब इनपुट इवेंट क्या है यूजर ने जो कुछ भी लिखा वो यहां पे हमें मिलने वाला राइट right? तो यूजर जब जब कुछ भी लिख रहा है ना उसको मैं डायरेक्टली अपडेटेड करना चाहूंगा तो विद दी हेल्प ऑफ सेट डेटा का इसमें क्या करने वाला हूं मैं एक प्रीवियस वैल्यू को कॉल करने वाला हूँ मतलब इससे पहले जो भी वैल्यू था उसको मैं एक्सेस करना चाहूंगा इक्वल टू अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया गया इस इनलाइन फंक्शन यूज करो बेसिकली मैं ठीक है सिंपली इस प्रीवियस वैल्यू में गए मुझे सभी डेटा मिलने वाला ठीक है नाउ एक कली ब्रेसिस में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एंड डॉट 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 अब मैं लिखने वाला हूँ प्रीवियस वैल्यू इस तरीके से ठीक है एक सेकंड प्री प्रीवियस वैल्यू लिखने वाला हूँ परफेक्ट यहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए परफेक्टली ठीक है एक कॉमा आपको देना है देन आपको इसको ब्रैकेट के अंदर नेम लिखना है इक्वल टू गाइस अब आपको लिख देना है वैल्यू मतलब अब इसमें एक सेकंड इक्वल टू नहीं लिखना गाइस आपको कॉलम लिखना है ठीक है अब एक्चुअल में और यहाँ पे कॉमा भी <laughs> सेमी कॉलम नहीं आपको सिर्फ कॉमा देना अब गाइस एक्चुअल में हो ही सेट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस वैल्यू गाइस अब हम क्या कर सकते हैं कि यूजर का ये जो एक्चुअल डेटा है यूज स्टेट में ये जो कुछ भी डेटा था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है एंड नाउ अब सेट डेटा को मैं इनपुट इवेंट के अंदर यूज करो इट मींस कि यूजर ने जो कुछ भी लिखा वो यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये विनोद बहादुर थापा है मैं अगर यहाँ पे लेके चलता तो आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा तो ये जो विनोद बहादुर थापा है ना ये क्या हो रहा है कि गाइस जब हम ये लिखते हैं और जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं दैट इज़ इनपुट इवेंट तो इनपुट इवेंट के बाद होगा ये कि गाइस देखो जैसे ही इनपुट इवेंट को कॉल हुआ हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके उस इनपुट फील्ड का नेम एंड देन वैल्यू एट्रीब्यूट को हमने किया फैच ठीक है नाउ विद द हेल्प ऑफ सेट डेटा एंड आप देख सकते हो इनलाइन फंक्शन यूज करो जहां पे मैंने प्रीवियस वेल well के अंदर ये सभी के सभी डेटा मुझे मिल रहा था जो कि फिलहाल अभी ये सभी के सभी डेटा ठीक है ठीके? तो मैंने क्या बोला जितने भी ऑलरेडी पहले के जो डेटा है उसको तो पहले मैं फैच कर ही रहा हूं ठीक है ये स्प्रेड ऑपरेटर गाइस मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी इसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा एंड देन मैंने ये बोला कि यूजर जो भी इनपुट फील्ड में लिख रहा है उसका पहले आप नेम एट्रीब्यूट को करो फैच जी हाँ गाइस उसका नेम एट्रीब्यूट को करेगा ओ फैच लेट से कि ये इसका नेम क्या है फुल नेम एंड देन वो चेक करेगा कि उसका नेम एट्रीब्यूट एंड इसका जो नेम एट्रीब्यूट है अगर वो मैच कर जाता तो यूजर ने जो उसकी वैल्यू लिखी है ये वाली जो वैल्यू है फुल नेम वो वहां पे उसके बदले वो ऐड कर देगा ठीक है सो दिस इज इट गाइस ये इतना ही था सो so, गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने फोन नंबर ईमेल एड्रेस एंड देन मैसेज फिल कर दिया है ठीक है एंड आप देख सकते हो जो जो मैंने वहां पे फिल किया वो सब के सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे जी हाँ गाइस तो यही है अब मुझे बस ये करना है कि देखो ये ऑलरेडी ये तो इतना कुछ हो चुका आपको पता चल ही गया राइट तो अब विद हेल्प ऑफ डेटा डॉट फुल नेम गाइस मैं इस नेम को एक्सेस कर सकता हूँ यूजर ने जो भी लिखा है तो अब मैं क्या करूंगा गाइस जब भी कोई करेगा फॉर्म को सबमिट एक बार मैं सबमिट करके बताता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस पेज रिफ्रेश हो रहा है

डॉट एंड देन मैं आप फुल नेम यूज कर सकते इस तरीके से सिंपल अब इतना कुछ हो चुका है यहाँ पे अगर मैं सिंपली अपना नाम लिख के सबमिट करता हूँ वो गैस अब आप देख सकते हो विनोद बहादुर था पा। तो मैंने उसको कम्प्लीटली लिख लिया एंड यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ तो गाइस मैंने सिंपली बैक्टिक यूज किया है यू नो स्ट्रिंग माई मोबाइल नंबर इज डेटा डॉट फोन फोन एंड ईमेल मेल इज डेटा एंड हियर इज व्हाट आई वांट टू से दैट इज डेटा दिस इज इट कंट्रोल सेव करता हूँ अब यहाँ पे गैस देखो मैं लिखता अपना डेटा फिल कर लेता हूँ सो गैस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर लिया एंड दी मोमेंट में सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटा एकदम परफेक्टली मिल रहा है ठीक है गैस तो हमारा कॉन्टैक्ट कम्प्लीट अबाउट कंप्लीट सर्विसेस कंप्लीट एंड देन होम भी कंप्लीट हो चुका है ना वी आर ओनली लेफ्ट विथ दी फूटर ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डैट इज योर एफ कैपिटल एंड देन मैं लिख देता हूँ इस तरीके से फूटर डॉट जे एस एक्स जी हाँ गए स्फूटर डॉट एंड आई थिंक गाइस मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया फूटर का बट कोई प्रॉब्लम नहीं गए स्फूटर का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट करना रहेगा सबसे पहले तो हमेशा की तरह राइट यहाँ पर आपको आना है सिम्पली टॉप पे चलता हूँ मैं सिंपली गाइस आपको कॉन्स्ट एंड देन आपको लिखना पड़ेगा वही स्पेलिंग आप रॉन्ग एक सेकंड स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ गाइस मैं उसको रीनेम कर सकता हूं राइट right? जी हाँ उसको मैं रीनेम कर देता हूं डैट इज फूटर डॉट जे एस एक्स परफेक्ट ना फूटर इक्वल टू गाइस आपको इस तरीके से एड कर देना है सिंपली फैट ए फंक्शन यहाँ पे मैं गाइस रिटर्न की वर्ड का यूज कर रहा हूँ सिंपली रिटर्न इस तरीके से ठीक है रिटर्न अगेन योर पैरेंथेसिस यहां पे गाइस इस तरीके से मैं जाता हूँ परफेक्टली ऑल राइट right, यहाँ पे मैं गया ऑल राइट देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस अब एक्चुअल में जो मेरा बुस्ट्राइफ बुस्ट्राइफ बोल रहा हूँ गाइस मेरा जो एस्टेमल फाइव में हमें जो मिलता है फोटर उस एलिमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास नेम में मैं लिख दूंगा सिंपली सिंपली गाइस बीजी लाइट लिखने वाला हूँ यहाँ पे बीजी लाइट इस तरीके से ठीक है एंड देन टैक्स सेंटर लिखने वाला हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली इस तरीके से पैराग्राफ परफेक्ट ठीक है यहाँ पे मैं गाइस क्या करता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है वो डेटा तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फूटर एंड इसी को ही कॉपी कर लेते गए क्योंकि सब तो सेम ही है राइट यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये डेमो वाले को हटा देता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुका है नाव ये जो फूटर है अब आपको इसको भी यूज करना है राइट तो यहाँ पे चलिए इम्पोर्ट आपको करना पड़ेगा इसको परफेक्टली इम्पोर्ट फूटर फ्रॉम ठीक है इसको आपको करना है फ्रॉम लिखना है इस तरीके से फ्रॉम यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है फूटर कंट्रोलाइज सेव करता हूँ परफेक्ट एंड ठीक इसके नीचे अब आप आपको जाना है क्योंकि फूटर का तो बाकी कुछ है भी नहीं राइट right? तो कंट्रोल कंट्रोलाइज सेव कर देता हूँ दिस इज इट गैस अब आप देख सकते ओवर हियर होम सर्विसेस एंड यहाँ पे आपको लेके जाता हूं अबाउट एंड देन आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट में फोटो नीचे ऑल एट गैस तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है लेकिन जाते जाते एक बार हम इसका रिस्पॉन्स जरूर चेक करेंगे कि सब एकदम परफेक्ट है या नहीं एंड यहाँ पे भी हम चल के चेक कर लेते ऑल एट गैस अब आप देख सकते हो इसको मैं थोड़ा सा और हटा देता हूँ तो गैस अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली हमें ये दिखाई दे रहा है देखो एकदम ऑसम awesome है ये राइट right? है कि नहीं सर्विसेज और राइट सर्विसेज भी एकदम परफेक्ट है अबाउट अबाउट भी एकदम परफेक्ट है एंड देन कॉन्टैक्ट भी एकदम परफेक्ट है वन अगेन सर्विसेज नाउ आईफोन टेन पे कैसा दिख रहा है ऑलराइट गैस right, तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल ये दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से रेस्पॉन्सिव हुआ तो गाइस सेम वही है मैं बताना चाहूंगा कि रिएक्ट में कोई नया कुछ ऐसा नहीं है ठीक है अगर आपको रेस्पॉन्सिव करना हो तो इंडेक्स डॉट सेसेस पे आप देख सकते हो गाइस मैंने रेस्पॉन्सिव का कोड लिखा है बेसिकली एट द रेट मीडिया मैक्सिमम विथ बस आप देख सकते हो मैंने हाइट थोड़ा सा छोटा कर दिया है एंड देन टेक्स्ट को मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूँ बाकी सब मैं थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ बाकी कुछ नहीं होगा बाकी है ही नहीं कोड बस यही दो मेरे रेस्पॉन्सिव के कोड है जो हम बेसिकली सी में ही करते थे जी हाँ गाइस ठीक है सो आई रिल्यू गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे क्योंकि आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज़ सर वेबसाइट बना के दिखाइए तो गाइस मैंने आपको कंप्लीटली बुस्टर फाइव जो कि लेटेस्ट है उसकी मदद से पूरा मीडिया क्वेरी सी एस 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 सब यूज करके मैंने आपको दिखा दिया एंड आई रिल्यू आपको बहुत पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा कि जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है हमारे इस सीरीज में उन सब चीज़ों को गाइस मिला के हम कैसे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो की इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमने डिटेल में एक एक चीज समझा हमने हर एक चीज को रीयूजल हम किस तरीके से बना सकते उसको देखा सो so, गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड मैं चाहूंगा गाइस इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर जरूर शेयर कर दीजिएगा ठीक है एंड बताना चाहूंगा गाइस मेरा ये फाइनल वीडियो था ऑन रियक्ट जेस के ऊपर एंड आई रियली आपको बहुत पसंद आया होगा आपको सब कुछ पता चल गया होगा क्योंकि हमने एक एक चीज को समझा एक एक चीज को देखा कि हम किस तरीके से उसको री बना सकते हमने कॉन्टैक्ट एकदम प्रॉपरली देखा सर्विसेस में मैंने आपको मैप मैथड दिखाया कि हम किस तरीके से जहां हम पहले छ के छह बार हमें लिखना पड़ता था अब हम सिंपली किस तरीके से उसको और शॉर्ट कर सकते वो मैंने आपको करके दिखाया अबाउट टेन होम पेज दोनों हमारे सेम थे लेकिन उसको एक कॉमन हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करके एज अ प्रॉप्स पास करके डेटा कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको करके बताया एंड ये हमारा जो मेन्यू एकदम परफेक्टली वर्क कर कर रहा रहा पेज को रिफ्रेश नहीं सो दिस इज इट गाइस गाइस आज आज इस वीडियो guys, आज वीडियो वीडियो के लिए इतना ही एंड एंड ये लास्ट था and मैं बताना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे औसम वीडियो क्रिएट करता रहता हूं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम को मिस ना करो एंड कुछ भी डाउट तो हो तो बेफिकर होकर नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर